इस दुनिया में न जाने कितने करोड़ लोग हैं। हर एक इंसान अलग अलग तरह से अपनी जिंदगी अलग अलग हिसाब से जीता है। साइंटिस्ट हो या चाय की दुकान वाला, हवा में उड़ने वाला पायलट हो या खेती करने वाला किसान, दुनिया में बहुत बड़ा पैसे वाला हो या एक वक्त की रोटी ना खा पाने वाला गरीब, वो कोई भी हो सकता है। ऊपर से देखने पर हम सब अलग अलग इंसान ही लगते हैं, लेकिन इस प्रकृति ने हम लोगों के बीच एक अदृश्य कनेक्शन दिया है। किसी को नौकरी मिली तो किसी दूसरे की नौकरी जाना उसकी वजह हो सकती है। कहीं किसी का दान दिया हुआ खून कहीं किसी की जान बचा सकता है। ऐसे एक एक की जिंदगी में होने वाली घटना से कोई ना कोई अनजान व्यक्ति जरूर जुड़ा होगा। मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, हर इंसान अपनी जिंदगी में ये सवाल जरूर पूछता है। उसकी वजह हम किस्मत, समय, नियति ऐसी ना देखने वाली चीजों पर डाल देते हैं, लेकिन इंसान के हर एक कर्म के, जरूरत के और घटनाओं के पीछे कोई दूसरा इंसान ही उसका कारण होता है, और ये बात सिर्फ प्रकृति ही जानती है। ठीक उसी तरह एक इंसान अपनी जिंदगी में जो कार्य करता है वो किसी दूसरे के लिए घटना बन जाती है। वो घटना अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। ऐसे अपरिचित दो लोग हैं, अरुण और कार्तिक। इन दोनों के बीच में घटित हुए संजोग ही हमारी कहानी है। अरुण के जेल जाने के पीछे कार्तिक ही उसकी वजह है। कार्तिक इस हालात में है, उसकी वजह अरुण है। हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे हाथों में नहीं है, हमारे आसपास के लोगों के हाथों में भी है। क्या कविता, ऐसे महीने के आखिरी में आकर पैसे? अरे काव्या, दाल में नमक नहीं डाला? वही डाला तो था। हट, तुझे खाना बनाना नहीं आता। दीदी को मत डांटो, बोरियो तुम, बोरियो। ए अरुण, ऐसा नहीं बोलते, सॉरी बोलो। सॉरी। वेरी गुड। क्या भाई साहब, इसके लिए बच्चे को डांट रहे हो? इसी उम्र में बच्चे को समझाने से उनका भविष्य सुधरता है। काम पर जाते वक्त पीकर जाओगे तो कौन तुम्हें नौकरी देगा? ए पैसा मांगू तो सिर्फ ये बताओ है कि नहीं है। मुझे भाषण मत दिया करो खड़े होकर। दूसरे के घर बर्तन मांजती हो और यहाँ मेरे सामने नवाबी झाड़ती हो। ए तमीज से बात कर वरना काट डालूंगी। काटेगी, काटेगी, काट काट काट। चल बाहर निकल, अंदर आएगा तो पैर काट डालूंगी। बाहर निकल, बाहर निकल बे। ये तुझे बाहर निकाल रहा है? अरे मेरा बदमाश बच्चा, देखो बाप को ही बाहर निकाल रहा है, बिल्कुल मुझ पे गया है। एक बार और बोलो बेटा। बाहर निकल, इसमें फोटो आ गई। आ गई है, क्यों तुम्हें डाउट है क्या? इससे फोटो कैसे खींचते हैं? देखो इसका नाम है व्यू फाइंडर, इसमें आग लगा के यहाँ देखोगे और ये दबाओगे ना तो अंदर फोटो खींच जाएगी। एक बार मैं देख सकता हूँ क्या? हाँ हाँ लो देख लो, लेकिन थोड़ा संभाल कर, ये बटन मत दबा देना। टीचर, क्या हुआ? हो गया टीचर, इतनी जल्दी? यकीन नहीं होता, दिखाओ। ए हे भगवान, ये आपने खींची? नहीं है? मैंने नहीं खींची मैडम, ये आपके स्टूडेंट अरुण ने खींची है। उसने मुझसे कैमरा ले लिया था, पता नहीं कब खींच ली। अरुण कम हियर, ये फोटो तुमने खींची है क्या? यस मिस। वेरी गुड, बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू सी दिस, कितनी अच्छी खींची है ना? क्लैप योर हैंड्स बॉयज। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। मिस कैन आई गेट दिस फोटो प्लीज? ऑफ कोर्स बेटा, हैव इट। मंजू वो देखो तेरे भैया को मार रहा है। ए कार्तिक झगड़ा मत कर। ए रुको, ये कहीं से दारू पी के आया है तो वहाँ कोई झगड़ा हुआ तो इसे मारा होगा, तो इसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि इसे मैंने मारा है। अच्छा तो किसने मारा? इसके भाई को मारने वाला तू ही है। कनिका शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। क्यों रे, मैंने कहा है ना बार बार झगड़ा मत किया कर। अब मैं झगड़ा नहीं करता भाई। तू हमेशा मुझसे यही बोलता है। कहीं का नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं भी देखूंगा तुझे। समझता क्या अपने आप को? दूसरे शहर से यहाँ आकर मुझसे मजा लेता है, दुकान तोड़ फोड़ डालूंगा भाई, समझा? कार्तिक तू झगड़ा क्यों कर रहा है भाई? अरे मैंने नहीं किया यार, सुबह 7 बजे एक चाय पी थी मैंने। हाँ। 8 बजे तक पूरी 5 चाय हो गई। हाँ। अब 8:30 बजे जब 7वीं चाय पीकर निकल रहा हूँ। हाँ। तो ये कमीना मुझसे पैसे मांग रहा है। हाँ। क्यों भाई, अगर मेरे पास पैसे होते तो इसकी दुकान में चाय पीने क्यों आता मैं? ये बिल्कुल सही कह रहा है, बोलना भाई। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तू हर बार ऐसा करेगा और मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। अपनी माँ के बारे में सोच, बेचारे ने घर घर जाकर काम करके तुझे पाला है और तू पूरा दिन गुंडागर्दी करता है। भाई अभी तो मैं काम पर जाता हूँ। कहाँ जाता है? इसके साथ जाता हूँ पेंटर का काम करने। हे भगवान, बाबू इसमें आखिर ऐसा क्या है जो तुम इसे भाव दे रहे हो? इन जैसे लोगों को ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं, निकालो ही नहीं यहाँ से। नहीं शेखर भाई, मैं बात कर रहा हूँ ना।
चल माफी मांग। ठीक है भाई, ए माफ कर दे। देखे ना, माफी भी ऐसे मांग रहा जैसे मारने वाला हो। ए राजेश भाई, तेरे साथ काम करता है ना ये? अब मैं क्या बोलूं? हाँ हाँ भाई, इस पर भरोसा नहीं कर सकते, काम पर ना आए तो मुझे बताना। ठीक है भाई, चलो जाओ। ये लड़कियां भी ना आजकल बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है इनकी। तुम लोगों को तो चप्पलों की माला पहनाकर घुमाना चाहिए, तब अकल आएगी। खामखा तू इसके मुंह क्यों लग रहा है? एक बार शुरू हो जाती है तो बंद होने का नाम नहीं लेती है। चल देख कार्तिक, मैंने भाई को कहा है कि तू मेरे साथ काम करता है, तू काम पर आ जाना। पहले पगार एडवांस दिला दे, आ जाऊंगा। ये क्या कार्तिक, तू कैसी बात कर रहा है? अरे ऐसा नहीं है यार, एडवांस लिए बिना मैं काम नहीं करता, पता है ना? लेकिन तू तो अभी पहली बार काम पर जा रहा है ना? अरे वही तो कह रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, चल ना बात करता हूँ। दिमाग मत खा। क्या हुआ? उसे देखना कितना अच्छा लड़का है, बचपन से इसे देखकर तो यही कहती आ रही है ना, प्यार करती है तो सीधे जाकर बता देना। पर वो मुझसे प्यार थोड़ी ना करेगा। सर। हाँ बोलो बेटा। उस बीपीओ कंपनी का ऑफर लेटर आया क्या? तुम्हारे पिता बहुत भाग्यशाली हैं जो तुम्हारे जैसा बेटा मिला है। ये बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, वरना कौन ऐसा सोचता है। ये लो, तीन दिनों से जिसके लिए परेशान थे यही वो लेटर है ना? हाँ थैंक्स सर। ठीक है बेटा। बीएससी आईटी भर ले बेटा। पापा विस्कॉम कर लूँ क्या? पापा विस्कॉम पढ़ेगा? पूरे शहर में कैमरा लेकर घूमेगा क्या? अरे उसके लिए पढ़ाई की क्या जरूरत, अपने शहर के किसी स्टूडियो में ही काम कर ले। विस्कॉम पढ़ेगा, विस्कॉम। इधर लाओ, आईटी पढ़ने के बाद 40-50 हज़ार की नौकरी आसानी से मिलती है। तुमने जो फोटो ली उसे जरा देखो। मैंने नहीं ली, तुम ही देखो। एकदम बकवास, तुमसे भी ज्यादा। एक्सक्यूज मी, हाय ब्रो। हे हाय, आई एम अरुण। आई एम संदीप। आई एम अरुण। हाय मनोहर, आईटी डिपार्टमेंट। ओके, एक्चुअली मैं विस्कॉम पढ़ना चाहता था। मुझे फोटोग्राफी में काफी इंटरेस्ट है, बट सिचुएशन, तो मैं आप लोगों के साथ कभी-कभी ज्वाइन कर सकता हूं? ये आईटी पढ़कर मशीन की तरह काम करना मुझे पसंद नहीं है। आंटी हम सेंसस से आए हैं, घर में टोटल कितने लोग हैं बताएंगी? ठीक है, पहला एड्रेस लिख लीजिए। और क्या जानना है आपको? ओके। पिछले हफ्ते ही तो काउंटिंग हुई थी बेटा। वो सीएम के इलेक्शन के लिए थी, ये पीएम के लिए है। वन मिनट आंटी। हाँ बोलिए सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह स्टूपिड, हमें मिले हुए कितने दिन हो गए? दो ही दिन तो हुए। प्यार करने से कुछ नहीं होता, हमें मिलना भी चाहिए ना। सासू माँ बहुत भोली हैं। जो भी मैं पूछ रही हूँ सब बताई जा रही हैं। मैं ही आपकी बहू हूँ, बता दूँ? देखो मुंह बंद रखो। तो फिर तुम रेस कोर्स आओ तुरंत। और क्या? ठीक है तुम यहाँ से जाओ, मैं आता हूँ। जल्दी आना। ए अरुण, ये मेरा प्रोजेक्ट वर्क है यार, मैं खुद खर्चा करके ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तुझे कैमरामैन बनने में इंटरेस्ट है इसलिए तुझे कैमरामैन बनाया है, गड़बड़ मत कर देना। ए तू परेशान मत हो, ये अपना प्रोजेक्ट है, कॉलेज फिल्म फेस्टिवल में हम ही अवार्ड जीतेंगे। विमला, नित्या रेडी हो गई होगी, जल्दी से आने के लिए बोलो। ए, ये यहाँ क्या कर रही है? विस्कॉम डिपार्टमेंट की है, तुमने देखा नहीं उसे? ए, वही तो हमारी हीरोइन है जो नौकरानी बनी है। दिखाना, बर्तन धोने वाला सीन है ना, तुझे एकदम भाई जैसा दिखना चाहिए। इतना मेकअप ठीक है? हाँ ठीक है। अबे ओए, नौकरानी का कैरेक्टर है ना? हाँ यार। देखो चेहरा ठीक है ना, और लिपस्टिक ठीक है। विमला, नौकरानी के लिए इतना मेकअप, इतना मेकअप दिखाएंगे ये कोई सीरियल है क्या? ये सब नहीं चलेगा। ए शिवा, कौन है ये? तू नेशनल अवार्ड के लिए फिल्म बना रहा है क्या? इसमें मैं ही हीरोइन हूँ, ऐसे ही रहूंगी। विस्कॉम के स्टूडेंट हो तुम, थोड़ा भी सेंस नहीं है? कपड़े से मुंह अच्छी तरह साफ करने को बोलो, चलो टेक करते हैं। हाँ रेडी रेडी। नित्या तुम नीचे बैठ जाओ। नित्या अब तुम रोते हुए बर्तन धोना, विमला थोड़ा ग्लिसरीन दो तो। मुझे कोई ग्लिसरीन नहीं चाहिए। ठीक है फोकस, स्टार्ट कैमरा, एक्शन। वाह बहुत अच्छा किया, थैंक्स भाई। अरे थैंक्स किस लिए, तुझे पसंद आया ना? हाँ भाई बहुत। शिवा। हाँ बोलो नित्या। अब तो शूटिंग नहीं है ना, तो अब तो मैं मेकअप लगा सकती हूँ। क्या बात है नित्या, जितना मन करे उतना लगा लो। देख क्या रहे हो? बस 5 कॉफी। ए, और नित्या के लिए? कॉफी पिएगी तो लिपस्टिक खराब नहीं हो जाएगी? माँ पापा कहाँ है? गाड़ी खड़ी है। त्रिवेणी नगर गए हैं बेटा। ठीक है मैं अभी आया। अरुण उनके आने से पहले आ जाना, तुम्हें पता है ना उन्हें गाड़ी से कितना प्यार है।
किसका घर है बे? सेठ का घर है बे। ए, तू यहाँ काम करने के लिए आया है, ठेकेदार की तरह घूम क्यों रहा है? माचिस हो गया। ए, चुपचाप उसको अंदर रखो, जा कलर मिला, जा। साढ़े मुंह पे चिल्ला रहा है। शर्मशाही करने वाला। ए, तू खुद को समझता क्या है? तू मुझे क्या समझ रहा है? झगड़ा मत करना कार्तिक। बाबू भाई के सामने बोल क्या दिया, मैं तेरे साथ काम पे जाता हूँ तो तू मुझसे सच में काम करवाएगा क्या? तू मेरे साथ आया क्यों है? टाइम पास करने के लिए। तो एडवांस क्यों लिया था तूने? वो भी टाइम पास के लिए लिया था। तो फिर मेरा क्या? सब टाइम पास के लिए, बोला ना। तुझे पता है मेहनत क्या होती है? अबे क्या मेहनत 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 बोल रहा है बे? एक ब्रश लेकर चूल्हे में डुबा कर मारने को मेहनत कहते हैं क्या? रात 10 बजे के बाद जब वाइन शॉप बंद हो जाते हैं, फिर देर रात तक जाकर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर ब्लैक में दारू बेचिए क्या? कड़ी धूप में खड़े होकर गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला कर ब्लैक में टिकट बेचिए क्या? और इन सब के बाद भी जब पुलिस पकड़ लेती है और जेल में लटका कर कुत्ते की तरह मारती है, तभी रिलैक्स होकर सिंगल कटिंग मारी है क्या? अबे दुनिया में मेहनत का काम इसको बोलते हैं, समझा? लेकिन ये सब मैं क्यों करूंगा? इसीलिए तो तू पेंटर बन के बैठा है। कल अपन के स्टार की फिल्म रिलीज है, पूरे 10 दिन ब्लैक की टिकट बेचने वाला हूँ। पूरा दिन मेहनत करवाने के बाद तू मुझे 250 रुपया तनख्वाह देगा, मैं तुझे 1000 रुपए देता हूँ, चलेगा क्या? ये चल रहे, रास्ता छोड़। तू कहाँ चला? अब देख, थिएटर जा रहे हैं, मैनेजर से बात करेंगे, बल्क में टिकट ले लेंगे। बल्क में टिकट देगा क्या? अरे मैं बात कर लूंगा ना। पिछली बार ऐसी देवा काम से पंगा हो गया था यार। अरे यार मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा, इतना डरेगा तो कमा नहीं पाएगा, समझा? पागल गई की, तेरा दिमाग खराब है? 2 दिन मिला नहीं तो क्या घर पे आ जाएगी? तुम्हारे लिए 2 दिन होंगे, मेरे लिए 48 घंटे हैं। वैसे कहाँ गए थे तुम? एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में ज्वेलरी टेक्सटाइल शॉप गया था, इसीलिए। मिला क्या? नहीं यार, इससे पहले कौन सा ऐड किया ऐसा पूछ रहे थे। पापा का भी गुस्सा मुझ पर बढ़ता ही जा रहा है। उनका गुस्सा एक्सट्रीम होने से पहले मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या? कुछ करना है सोचकर टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है कि तुम मुझे। तुम्हें क्या करूं? मुझे साथ लेकर गए होते तो आसानी से ओके कह दिया होता। वैसे तुम्हारा दिमाग कहीं और चला गया था। मेरा दिमाग कहीं भी नहीं गया था। वैसे मेरा दिमाग कहीं और गया है तुम्हें कैसे पता? मतलब तुमने भी कुछ और सोचा था ना? फिल्म देखकर लंच करने के बाद ही घर चलेंगे, ठीक है ना? ए ताई, 100 का 200 चाहिए क्या? बहन ले लो, ले लो ताई, 100 का 200। ए कार्तिक, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ आ रही हैं, कोई अच्छी लड़की देकर मैं शादी कर लूँ क्या? तेरे को कौन पड़ेगी? 100 का 200। बच्चों की तरह बातें करता है यार। एक बात बोलूँ क्या, शादी के बाद जानता है वो लड़की क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? सिगरेट छोड़ दो, दारू बंद कर दो और कोई अच्छी खासी नौकरी देकर काम करो, तुझसे ऐसा होने वाला है क्या? ये तो कानून है ना, अपराध है यार। तो फिर तेरे से प्यार करके फायदा क्या होने वाला है? अबे पीछे से क्या मारता है बे, हिम्मत है तो सामने से मार। इसी बार शांति थिएटर में जब झगड़ा किया था तभी तूने बोला था कि तू इस थिएटर पर नहीं आएगा। ए, तेरी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। वही थिएटर का मालिक है क्या जो इतना रौब झाड़ रहा है? बहुत बड़ा डाउन बन गया है क्या जो एरिया का बंटवारा करेगा? 10 दिन से तो तू ही टिकट बेच रहा था ना, आज तुझे टिकट नहीं मिली तो मुझ पे गुस्सा उतार रहा है। कितना बड़ा पेंटर हूँ मैं यहाँ का, खामखा ये झगड़ा करके हमें भी फंसा रहा है। मतलब झगड़ा हुआ तो छोड़ करके भाग जाएंगे क्या? पैसे लेने सीधे हमारे पास आएगा वो? मतलब मार खाने में भी हमारा हिस्सा? चला आजा। ए, मेरे दोस्त आ गए इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना आज तो तेरा हिसाब किताब पूरा कर देता। एक दिन तो जरूर मरेगा। बहुत अच्छी थी ना, मुझे तो बहुत पसंद आई। तुम वेट करो, मैं बाइक लेके आता हूँ, जल्दी आना। ए, सुनो भाई, मेरी गाड़ी कैसे टूट गई? ओहो, वो तुम्हारी गाड़ी थी? कुछ देर पहले 2 लोगों में लड़ाई हुई थी, उसी में शायद टूट गई होगी। हाँ भाई, इतनी आसानी से बोल रहे हो, गाड़ी का मेरा सत्यानाश हो गया, अब इसका पैसा कौन भरेगा? उस बोर्ड को देख लो भाई, अब इससे ज्यादा कुछ चाहते हो तो पुलिस में कंप्लेंट कर दो। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के लिए कहा है? बाइक तोड़ने वाले को अब कहाँ ढूंढे? घर जाने तक बाइक ठीक नहीं हुई तो पापा मुझे काट डालेंगे। मेरे पास अभी पैसे वैसे नहीं है यार, तू चाहे तो इन लोगों से पूछ सकता है। हम लोग भी कहीं जाने का प्लान बना रहे थे लेकिन पैसा ही नहीं है, आजकल हालत बहुत टाइट है यार। तू चाहे तो शिवा भाई से बात कर सकता है। भाई, अरे आओ अरुण, आओ बैठो। तुम तो एड शूट करने वाले थे ना, क्या हुआ उसका? हाँ वही ट्राई कर रहा हूँ भाई।
भाई मुझे अर्जेंटली 3,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, मिलेंगे क्या? अगले हफ्ते वापस कर दूंगा। 3,000 रुपए? एक मिनट रुक, मैं भी आया। हाँ लेकर आया क्या? पिछला बैलेंस 6,000 है, पहले वो निकाल फिर देता हूं। 3 दिन से कॉलेज की छुट्टी है, हॉस्टल वाले लड़के अपने गांव गए हैं, कल आएंगे तो कलेक्शन हो जाएगा। वो सब कहानी मत सुना, गांजा बेचता है ना, कल पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो पैसे किससे वसूलूंगा, या कल कहीं भाग गया तो कहां ढूंढूंगा तुझे। ए, जोर से मत बोल, सबको मालूम है कि मैं बिजनेस करता हूं। ये भी बिजनेस है, पहले पैसे निकाल। ये ले, अब तू निकल। अरे अरुण, कुछ अर्जेंट काम है, तुम निकल जाओ, कल मिलता हूँ। भाई वो पैसे, अरे छोड़ ले यार अरुण, घर जा, पापा कुछ नहीं बोलेंगे तुझे, कल चोर बाजार जाकर बाइक का सारा सामान खरीद लेंगे, ठीक है ना? कैसे भी करके आज भगवान को प्रसाद। झगड़ा हुआ तब कहाँ थे तुम लोग? मैंने बोला था इससे कि चल लंबी फाइट करते हैं, लेकिन ये डर मुझे फंसा रहा है, ज्यादा उछल मत, रोक दिया मेरे को। कार्तिक मैं तेरी तरह ताकतवर नहीं हूँ यार, खाली मेरी बॉडी ही मोटी है। क्या यार, थोड़े से पैसों के लिए इतनी परेशानी? हाँ यार कार्तिक, जल्दी से पैसे कमाकर सेटल हो जाते हैं। क्या सोच रहा है भाई? क्यों भाई कलवे? हाँ? उस दिन सेठ के घर पे पुताई करने गया था ना, वॉल पेंटिंग। हाँ जो भी है, साला उसके पास तो बहुत माल होगा ना। ए सेठ जितना पैसे कमाने का सपना नहीं है मेरा, बस एक छोटा सा पक्का घर और अपना खुद का एक ऑटो रिक्शा, बस इतना ही। दिन में तो सेठ के घर पे कोई नहीं होता है ना? नहीं कोई नहीं होता है। ये क्यों पूछ रहा है तू? गुड प्लान। प्लान? किससे पूछ कर बाइक ले गया था? शरीर से बड़ा हो गया है लेकिन अकल नहीं। जब से मैंने ये बाइक खरीदी तब से रिपेयर के लिए मैकेनिक के पास लेकर नहीं गया, और तू इसे ठीक कराने के लिए 3,500 बोल रहा है। नहीं बाबा, 3,000 बोला है। हाँ वही तो, तू दे देना। कमाना धमाना तो आता नहीं, कहीं जाकर मर जा। आप तो बेहुदा कहीं का। इतना खर्चा करके तुझे आईटी में एडमिशन क्यों दिलवाया? कि आईटी कंप्लीट करके तू अच्छी नौकरी करेगा? कोर्स कंप्लीट किए बिना तुझे नौकरी कौन देगा? लाइफ के बारे में तू सोचता नहीं है और कहता है एड फिल्म बनाऊंगा, कैमरामैन बनूंगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमें सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। मेरे रिटायर होने में सिर्फ 2 साल रह गए हैं, उससे पहले मेरे पास जो पैसे हैं उससे तुम्हारी दीदी की शादी करवानी है, और फिर उसके बाद तुम्हें ही परिवार चलाना होगा। ए, मेरे दोस्त का बेटा केजी टेक्नोलॉजी में जीएम है, तुम्हें इंटरव्यू के लिए कल बुलाया है, ये लो इंटरव्यू अटेंड कर लेना। अभी जॉब टेम्पररी होगा, जैसे ही तुम्हारा आईटी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। अब ये कैमरा वैमरा छोड़ो और काम पर ध्यान दो। किसे आवारा बोला तूने? तू ही होगी आवारा औरत, तेरा सारा परिवार आवारा। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आके बोलना, मेरे पीठ पीछे क्या बोलती रहती है? पानी भरने के लिए मेरा पहला नंबर था, तू क्यों बीच में घुस के पानी भरने लग गई? ऐसा कौन सा पति का बुलावा आया था तुझे? हाँ, मेरे तो 5-5 पति है ना, पर तुझे उसे क्या करना? तेरा परिवार तो तुझे संभाला नहीं जाता, आई बड़ी मेरे घर में झांकने वाली। ए, मुझे पता नहीं है क्या तेरा चाल चलन कैसा है? हाँ? अरे क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रही है? रुक, डर गई क्या? आ तो दिखाती हूँ तुझे। क्या माँ, जब देखो तब उसके ही पीछे पड़ी रहती हो। लड़की को कैसे आसमान में उड़ने लगी है। अब मुझसे पहले पानी भर के तो दिखा, दिखाती हूँ तुझे मैं क्या हूँ। ए ज्यादा दिमाग खराब करेगी ना तो ठोक डालूंगी इधर ही, समझी? रहने देना कार्तिक, सेठ के घर में सब मुझे पहचानते हैं। अरे अपन मुंह छुपा लेंगे ना। ए आज तक मैंने ऐसा काम नहीं किया यार। तू नहीं आएगा तो भी चलेगा, मैं और थॉमस दोनों चले जाएंगे, लेकिन पैसा आने के बाद 50,000 दे, 1,00,000 दे दे, ऐसा सब नहीं बोलेगा। सही कहा भाई। 1,00,000 रुपए, इतने पैसे मिलेंगे क्या? ओके चलूंगा, लेकिन रात को चलेंगे तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। दिन में जाने को क्यों बोल रहा है भाई? दिन में सेठ के घर पे कोई नहीं रहता, ये तो तूने ही कहा था ना, इसलिए तो अभी करने का है। हाँ ये तो मैंने ही कहा था। गुड प्लान। फिर बुलाइए गधा। क्या बे दिवाकर, टेंशन में बैठा? इधर आ। क्या कोई लफड़ा हो गया क्या? हाँ भाई, वो तुम विजय को जानते हो ना? हाँ क्या हुआ उसका, तेरे साथ कोई पंगा किया गया? अरे नहीं यार, बोला था उसे पहले। अरे कैसा यार, कैसा है? अच्छा तू मुझे एक बात तो बता, तू बाजार वाले विजय को जानता है ना? ए भाई यही है वो लोग। कहाँ गया होगा वो? तो ये लोग है क्या? मैं तेरे पापा को अच्छे से जानता हूँ, अब भी स्कूल के टीचर की तरह तेरी क्लास लेते हैं ना। अब तू बता, तूने ही कहा था ना कि मेरे पापा कुछ नहीं कहेंगे, हाँ सब ठीक हो जाएगा बोला था ना, चलो पैसे। नहीं भाई कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अरे मैं हूँ ना साथ में, चल। ए क्या बताऊँ यार, पापा ने केजी टेक्नोलॉजी में इंटरव्यू अटेंड करने के लिए कहा। हाँ ये भी सही है यार। हे
अरुण अंकल। नमस्ते अंकल। मैं अभी पवन ज्वेलरी से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हारी एड के बारे में भी बात करता हूँ। मेरे साथ चल रहे हो क्या? इंटरव्यू है अंकल। कितने बजे है? 12 बजे। 12 बजे है ना, तब तक आ जाएंगे, बैठो। ठीक है, थैंक्स सर। तुम हो दिवाकर, मैं तो डर ही गई थी। ठीक है, मैं स्कूल जा रही हूँ। रुको, मैं बोलूंगा तो जाना, दरवाजा बंद कर लो। पापा कहाँ गए? एमएलए के घर गए हैं। ए दिवाकर, बाहर निकल। भाई क्या करूँ, वो सब लोग घर के बाहर खड़े हैं। अरे तेरे को बोल रहा हूँ ना, बाहर निकल। क्या भाई विजय, आप उनके एरिया में आए ले? कार्तिक तू बीच में मत आ, पंगा मत ले। पंगा तू ले रहा है? इसने मेरे दोस्त के भाई को मारा है। तो ये भी अपन के भाई जैसा है? अबे ये क्रिकेट खेलने वाले बच्चे लोगों की प्रॉब्लम है, तो इसमें अपन बड़े लोगों का क्या काम है? वो बच्चा पार्टी सब सुलटा लेगा। अभी तुम लोग निकलो यहाँ से। कार्तिक तू अट जा, मैं ऐसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अबे छू के तो दिखा, बोलना हाथ लगा सकता है क्या? तुम लोग 6 लोग हो ना, मैं अकेला हूँ। आ जा, जो होगा देखा जाएगा। देखो भाई, पहले इसी ने लफड़ा किया था वहाँ। तो पहले तू अपना मुंह बंद कर लेता ना, गलती किसी की भी हो बात करके सुलटा लेने का। वो सब छोड़कर इधर मारा मारी करने चले आए, तो हम लोग यहाँ पर मुंह में अंगूठा लेके चूसने वाले बच्चे हैं क्या? अब सुन, अगर दोबारा इसी बात को लेकर इसके आगे पीछे दिखाई दिया ना, तो मैं भी चुप नहीं बैठने वाला हूँ। ये सब इधर ही खत्म करो, अब चलो निकलो यहाँ से। ये दिवाकर चल दो। दीदी चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। हाँ, आ रही हूँ। नायर 3 चाय। पैसे? नई ग्लास में लेकर आना। ठीक है, भेजता हूँ। पैसे तो देता नहीं, और नए ग्लास में चाय चाहिए, भिखारी कहीं का। क्या कह रहा था नायक? चाय चाहिए? किसे देख रही है? ए कार्तिक, वो लड़की कब से तुझे देख रही है? थू! अबे मेरे को नहीं तेरे को देख रही होगी, मेरे को नहीं देखेगी। ए, वो लड़की कब से तुझे ही देख रही है? क्या हुआ, हंसनी आई क्या? नहीं आई पापा। चलो आ जाओ। कौन बे? शेखर भाई की लड़की, अभी कार में बैठकर गई। शेखर भाई की लड़की? अबे वो तो बहुत सीधी साधी है रे, ऐसी लड़कियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देख देख देख, अभी भी झांक कर देख रही है। देखना भाई देखना। तू मेरे प्लान को बदलना चाहता है क्या? ए जरा जरा। नमस्ते साहब। क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम लोग रोड पे झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे नहीं नहीं साहब, ये तो मेरे दोस्त है साहब, मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था। भी फंसाएगा यार। ठीक है साहब। चुप नहीं रह सकता गैंडे। ए कार्तिक, चोरी करने से पहले ही पुलिस इंक्वायरी कर रही है, चोरी करेंगे तो फंस जाएंगे यार। अक्यूज्ड को तो 1000 इंक्वायरी से गुजरना ही होता है। ए मैं तो एक पेंटर हूँ, मेरे इंक्वायरी क्यों करेंगे? अक्यूज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए ना? इस बार तू हो जाएगा ना। तो फिर कार्तिक सेठ के घर पे हाथ साफ कर दे क्या? उससे पहले एक एक कटिंग मारते हैं, तभी तो आप उनका खून गर्म रहेगा। मेरे ना कहने से छोड़ थोड़ी दोगे, चलो चलते हैं। भाई ग्लास तो रख कर जाओ। ए, इसमें दारू पीऊंगा। भाई तुम्हारा कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया है, हम हमेशा एड एजेंसी को ही विज्ञापन देते हैं। अगर पहले कोई एड किया होता तो तुम्हें ये काम दे सकते थे, अभी तुम फील्ड में नए भी तो हो। लेकिन सर आप 20 लाख देकर एक ऐड बनाते हो ना, मैं वही ऐड 5 लाख में बना के दे सकता हूँ। ठीक है भाई, अगर किसी नए से करवाना होगा ना तो मैं कैलाश को बोल दूंगा। थैंक्स सर। ठीक है, आओ भाई आओ बैठो। कैसे हो? मेरा ऑर्डर तैयार है क्या? हाँ हाँ सब तैयार है, तुम पैसे भिजवा देना। मैं ज्वेलरी वाले से बात करके देखता हूँ, फिर ट्राई करेंगे। इंटरव्यू के लिए जा रहे हो? हाँ अंकल, बस जा ही रहा हूँ। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ क्या? नहीं नहीं, मैं बस से निकल जाऊँ। ठीक है जाओ। ठीक है अंकल। ओके। क्या रे, मैं कट कर रहा हूँ ना, तो बार बार कॉल क्यों कर रहा है? तुम फोन अटेंड कर लोगे तो मैं बार बार क्यों करूँगी? अच्छा मेरी बात सुन। तुम कहाँ हो अभी? एक दुकान पर ऐड की बात कर रहा था, बोलो क्या हुआ? ठीक है, तुम तुरंत कॉफी शॉप आ जाओ। अभी आ जाऊँ? हाँ हाँ अभी। मेरा इंटरव्यू है अभी, बाइक लेकर भी नहीं आया हूँ, बस से जाना है मुझे। मुझे नहीं पता।
बस मैं आ रहा हूँ। अरे थोड़ा तो समझो यार, मुझे तुमसे मिलना है और मैं कुछ नहीं चाहती। मैं अभी गांधीनगर जा रहा हूँ, मेरी कार वर्कशॉप पर है, मुझे कार लेने जाना पड़ेगा, मुझे वर्कशॉप पर ड्रॉप कर दो और ये बाइक लेकर चले जाओ। हाँ ठीक है, मैं स्टूडियो पर बाइक छोड़ देना। ठीक है, आओ बैठो। हेलो, बोलो, अभी कहाँ हो तुम? रेस कोर्स में। हाँ बस आया मैं। बोलो लोकेश। नासिर अभी दुकान से निकला है। मतलब वही हमेशा जेवर लेकर जाता है। कितने किलो होगा? एक किलो तो होगा। उतना काफी नहीं है, 4-5 किलो होगा तो पकड़ेंगे। उसे फॉलो करो, वो कब घर आता है जाता है सब पता करो। ठीक है। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे खबर कर। वेलू माल देते। ये 2000 रुपए है। शिवा किधर जा रहा है? गांधीनगर जा रहा हूँ। मेरे को रास्ते में छोड़ दे। चला जा। बस यहीं ठीक है। चल ठीक है, मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। अरे अरुण यहाँ कैसे? बस ऐसे ही फ्रेंड के साथ कॉफी शॉप जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ हेलो, कैसा भाई? आओ बैलू, ये 10 किलो का माल है और केरला का ऑर्डर है। लोकल लड़कों को ले जाओ और बॉर्डर पार। क्या भाई, लोकल लड़के कैसे ले जा पाएंगे? चलो चलते हैं। तुम यहाँ क्या करने आई हो? हैदराबाद से मेरी फ्रेंड्स आई हैं। चलो मिलवाती हूँ। मेरे इंटरव्यू का टाइम हो गया। चलो ना प्लीज। पिछले हफ्ते से पुलिस को मेरे पर डाउट है, इसलिए मेरे लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें इस काम को बड़े ध्यान से करना होगा और इस माल को केरला पहुँचाना होगा, और ये तुम्हें करना है। ठीक है भाई। दिन में आएंगे तो कोई नहीं रहता बोला था ना? मैंने कब कहा था? तुमने ही तो कहा था कि दिन में चलेंगे। मैंने तो रात में आने के लिए कहा था। नहीं सुनी ना? तूने इसे भड़काया था ना दिन में आने के लिए। अब सेठ घर पे है, फंस गए ना? तेरा तो चेहरा ढका हुआ है ना, बुड्ढा पहचान भी नहीं पाएगा। ऐसा ही है ना सेठ? वैसे माल किधर रखा है? थॉमस, मैं नीचे जाकर बाइक स्टार्ट करके रखता हूँ, तुम लोग सारा सामान लेकर नीचे उतर जाना, ठीक है? अबे हम दोनों उठाकर कैसे ले आएंगे? ए, मैं सेठ के घर में पेंटिंग करने आया था और तुम लोग मुझसे चोरी करवा रहे हो। खोल दूंगा इसे, तू चुप कर। अरे सेठ बताओ ना किधर रखा है, वरना फोकट में मारे जाओगे। गलत टाइम पर गलत डायलॉग बोलते रहता है। थॉमस इसे समझाना। हेलो कौन? कार्तिक, किसी काम पे हो गया? नहीं यार, बस खेल रहा था। एक आदमी कम पड़ रहा है, आएगा क्या? सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं। मैं भी सीरियसली बोल रहा हूँ। देख, 10 किलो गांजा है, केरला के बॉर्डर पे पहुँचाना है, हो जाएगा? वो अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, बाद में काम खत्म करके फोन करता हूँ। भाई ऐसे कामों के लिए बिल्कुल विश्वास वाला बंदा है ये। ऑर्डर क्या देना है? फ्रैपी। फ्रैपी? या फ्रैपी। हाँ फ्रैपी। और तुम? ओके 6 फ्रैपी जल्दी। देर हो रही है, इंटरव्यू के लिए जाना है। फोटो अच्छी आ रही है ना? अच्छी है। मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें कैसा लगा? वहाँ देख दो। चुपट कहीं गए? तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं है क्या? पता है मैंने तुम्हारी कितनी तारीफ की थी उनके सामने? देखो तुम लोगों के साथ गुटरगू करने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सुनो, अब इंटरव्यू के लिए मुझे देर हो रही है, मुझे अब यहाँ से निकलना होगा। सॉरी, बाय, अब कल मिलते हैं। जल्दी कर। जल्दी करना। अरे चल रहा हूँ ना। ए, तू सीधा घर पे पहुंचा, मैं और थॉमस मार्केट होके आते हैं, समझ गया ना? चल जल्दी जल्दी।
मैं ठीक से चला रहा था माँ, अचानक एक बाइक वाला सामने आ गया, तो उसमें मैं क्या करूँ तुम्हें बताओ। जाने दो, तुम्हें तो इनका स्वभाव पता है ना। अब चले। क्यों भाई कार्तिक, ऑटो चलाना शुरू किया क्या? फ्लाइट भी चलाना शुरू किया है, दिखता नहीं है क्या? ये आपुन का खुद का ऑटो है, आपुन को भी तो मालिक बनने का है ना, इसलिए अभी चलाने को ड्राइवर ढूंढ रहा हूँ, तू चलाएगा? ए, क्या हुआ दीदी? फिर से दुकान पर जाना होगा। फिर से दुकान पर? लेकिन अभी तो पेन कॉपी सब खरीदी। वो बिना लाइन वाली कॉपी लेना भूल गई। ये बिना लाइन वाली है। पेन ली है, इंक लेना ही भूल गई। इंक? तो चल तो। चाय की दुकान पे चार चाय का ऑर्डर देके इंतजार कर, मैं तेरे को सिगरेट पिला दूंगा, चल भाई। हे कार्तिक, अरे यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? जिनकी कौड़ी की औकात नहीं उन्हें 500 रुपए का नोट थमा रहा है तू। ए, वो लड़का मेरी तरफ देख रहा है क्या? कौन देख रहा है? वो जिसने लुंगी पहनी हुई है। तो देगा भाई। नहीं देख रहा, वो क्यों देखेगा? मुझे देख रहा है क्या? देख रहा? अपना ही आदमी। नहीं दीदी, तू अपने को हेल्प करता है, पिछले साल किया था ना। और अब? और मैं पैसा कमाता नहीं दीदी, मैं उससे कभी मांग लिया करता हूँ, और पैसा कोई बड़ी बात नहीं है रे, मेहनत करेगा तो मिल जाता है, समझा क्या? क्या करके गई है? अब देख रहा है क्या मुझे? हाँ दीदी अभी देख रहा है। अरे यार कार्तिक, गैंडे ने सही कहा था। क्या कहा था बे? देखना, वो तुझे ही देख रही है। हंस रही है यार। अबे तूने तो ये कहा था वो लड़की ऐसी वैसी नहीं है, आंख उठा कर भी नहीं देखती किसी को, फिर ये क्या है? सामने से सिग्नल दे रही है तो मना कैसे करूंगा? क्या तुम किसी के साथ भाग जाओगे ऐसा सोचा था मैंने। चलो अच्छा है, अरेंज मैरिज ही करनी है, पहले ही फैसला कर रखा था। अरे हाँ, दूल्हा एकदम काला, डरावना सा है, चलेगा ना? भले ही काले क्यों ना हो पर रजनीकांत लगते हैं। कॉम्प्रोमाइज कर लिया क्या? रजनीकांत आखिरी सिगरेट? क्यों साले साहब, वो ना शादी के बाद पति से उनकी पत्नी सिगरेट ना पीने को कहती है, इसीलिए पूछा। तुम्हारी बहन ने तो पहले दिन मुझसे कह दिया था कि ये सब छोड़ना होगा। अब उसको पसंद नहीं है तो मैं उससे छुपकर पी लेता हूँ। अभी रुको, मैं दीदी को बता के आता हूँ। हाँ अंकल बोलिए। अरे अरुण तू फ्री है क्या? हाँ मैं फ्री हूँ, बोलिए। अभी हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ है, तू वहाँ चला जा, कुछ फोटो खींच ले, मैं यहाँ एक मैरिज फंक्शन में अटका हुआ हूँ, कोशिश करना थोड़ा जल्दी पहुँच जाए। हाँ ठीक है, चला जाऊंगा। घर में है क्या वो? ए हाँ माँ। ए ए रुक जा, ए भाग मत, ए क्या भाग रहा है, रुक जा, ए पकड़ो उसे, ए रुक, ए रुक जा। अरे रिया क्या है तुझे? परेशान मत हो, पकड़ा गया तो बस 3 महीना। खाना टाइम से खा ले बेटा। हाँ ठीक है माँ, ए छोड़ेंगे नहीं तुझे, भाग मत, रुक तेरी, ए रुक जा, ए रुक। एक्सीडेंट हो गया है, पीछे हटो, ट्रैफिक हो रहा है ना, हट जाओ सामने से। अरे पीछे हटो, पीछे हटो। किसी ने फोन किया? सारे एंगल से फोटो लेना और जल्दी से थाने आकर दे देना। फोटोस अच्छे हैं ना सर? किसी हीरोइन की फोटो ली है क्या तूने? एक मरे हुए आदमी की फोटो ली है, इसमें किस बात की तारीफ? ठीक है सर मैं चलता हूँ। सर लग रहा है सर, कितनी देर से दौड़ा रहा है, अब भागेगा सर। तूने सोचा कि हमसे बच के भाग जाएगा? सर ये बार बार सर पे मत मारो। अच्छा गुस्सा भी आ रहा है, मारेंगे तो क्या करेगा? आप लोगों को पकड़ने का हक है, मारने का हक नहीं है। हमें कानून सिखाएगा, चल अंदर। वहाँ बैठ जा, चल। ए तुम लोग इधर कैसे आ गए? इस गंदे की वजह से फंसे अपन लोग। 5,000 की साड़ी 500 में, 5,000 की साड़ी 500 में, इसको सेट के घर से चुरा। पहनोगी तो सेठानी लगोगी, पहनोगी तो सेठानी लगोगी, 5,000 की साड़ी 500 में ले लो, क्यों भाई? ले लो ये साड़ी, मुझ पे अच्छी लगेगी, तुम पहनोगी तो साड़ी की बेइज्जती हो जाएगी, जाओ यहाँ से। चिल्ला क्यों रहे हो भाई बड़ी? अरे उनकी साड़ी लेकर सेठ की पत्नी के सामने चिल्ला चिल्ला कर बेच रहा था ये। अबे साड़ियां कहीं को चुराई? जब तेरा बैग भारी लग रहा था तभी मेरे को डाउट हो गया। बातें बंद करो। क्यों अब आप लोग बात करोगे क्या? मुंह संभाल के बात कर। ए, हाँ? क्या पूछा तेरे से? अभी तक तो मुझसे कुछ और नहीं पूछा, बस इतना पूछा कौन कौन गया था। ए, इसने हम लोग का भी नाम बताया इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं यार पहली बार पुलिस स्टेशन आया हूँ ना इसीलिए डर गया था। चल ठीक है, जो हो गया सो हो गया। पुलिस वाले तेरे से हर तरह से पूछेंगे लेकिन सच बोलने का नहीं। हर तरह से मतलब? ए
पुलिस वाले कुछ पूछेंगे तो बोलना। सड़क पर हम तीन लोग जा रहे थे, बैग नीचे पड़ा हुआ मिला था, उस बैग में बहुत सारी साड़ियाँ भरी हुई थी और वो साड़ियाँ तूने बेच दी, ठीक है ऐसा ही बोल दे। हम तीनों सड़क पर जा रहे थे, रोड पर बैग पड़ा था तो हम तीनों ने वो बैग चुरा लिया और उसके अंदर की साड़ियाँ बेच दी। अबे देख रहा है ना कैसी कुटाई हो रही है, ऐसे बोलना। रोड पर बैग पड़ा था, बैग के अंदर साड़ियाँ थी, उनको तूने बेच दिया, अब बोल के दिखा। रोड पर बैग पड़ा था, बैग में साड़ियाँ भरी थी, मैंने उसे बेच दी। सर रेडी सर, खड़े हो जाओ। सेठ के घर से चुराए हुए पैसे और गहने कहाँ हैं? घर पे चोरी, आपने हमको गलती से पकड़ लिया सर। सर चाहे जिधर मार लो, थोबड़े पे नहीं मारने का। वो क्यों? वो क्या है ना सर, आप तो पुलिस वाले हैं, आपका चेहरा भले ही कैसा हो चलेगा, आपकी तो वर्दी से ही लोग पहचान जाएगी कि आप पुलिस वाले हो, लेकिन हमारे चेहरे पे एक भी निशान पड़ गया ना तो पब्लिक आप उनको गंदी नजर से देखती है सर। तुझे मैं बेवकूफ दिखता हूँ? अब ये क्या है? सर हम रोड पर जा रहे थे, रोड पर एक बैग पड़ा था, बैग में साड़ियाँ भरी हुई थी, हमने वो साड़ियाँ बेच दी सर, चोरी से हमारा कोई संबंध नहीं है सर। सर हम लोग रोड पर जा रहे थे, रोड पर एक बैग पड़ा हुआ था, बैग में साड़ियाँ भरी हुई थी, वो साड़ियाँ हमने बेच दी सर, चोरी से हमारा कोई संबंध नहीं है सर। दिखने में तो शरीफ लग रहा है। थैंक यू सर। फिर इन लफंगों के साथ इस धंधे में कैसे आ गया? सर इस चोरी से मेरा कोई संबंध नहीं है सर, मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ सर, अगर आपको कोई संदेह है तो सेठ जी से पूछ लीजिए सर, सेठ जी के घर में मैं पेंटिंग कर रहा था सर। अच्छा तेरी शॉप? माँ देखो ना मेरी खिंची फोटो पेपर में छपी है। अरे वाह दिखाओ तो जरा। छह ये क्या है बेटा, एक्सीडेंट में मरने वाले की फोटो ली है, किसी कोयल या मोर की फोटो लेता तो कितना अच्छा होता। वो सब पेपर में नहीं छापते, ये बस शुरुआत है माँ, अब देखना बड़ा कैमरामैन बनकर मैं टीवी पर आऊंगा। अच्छा है, पर तुम्हारे पापा को ये सब अच्छा नहीं लगता। माँ देखो अभी हम खुद विपक्ष में बैठे हैं, अगर तुम इस वक्त रूलिंग पार्टी के साथ उलझोगे तो वो क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? रूलिंग पार्टी उसकी वजह नहीं है, हमारी पार्टी में बाबू भाई के अपोजिट जो मयूर है वो वजह है उसकी। ए, अब तो हमारी पार्टी के खिलाफ उल्टा सीधा बोलेगा हा? जो होना था वो हो गया, ये बात बाहर किसी को मत बताना, बस अपनी पार्टी का काम दे। ठीक है भाई। भाई नमस्ते। भाई नमस्ते। अरे तुम दोनों जेल में कैसे आ गए, और ये राजेश भी तुम्हारे साथ क्यों है? भाई इसकी वजह से हम लोग अंदर हैं। ए, तो खुद तो उल्टे सीधे काम करता ही, अब इनको भी फंसा लिया। सर मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ पेपर में खबर आई थी कि तूने कुछ नहीं किया। क्या बात है बताओ। करण भाई को छुड़वाने आओगे ये तो आप उनको पता था, साथ में आप उनको। अरे राजेश तुझे क्या हुआ, तू इसके साथ क्यों मिल गया? मुझे बचा लीजिए सर, मैं आपके ऑफिस फ्री में पेंट कर दूंगा। बाहर निकालने से मना किया है क्या? लक्ष्मी की बेटी का 18वां जन्मदिन है, तू नहीं जाएगी क्या? मुझे क्या कार्ड देकर गए थे जो मैं वहाँ जाऊँ? अगर वो बुलाएगी तो भी नहीं जाऊंगी, मुझे कोई काम नहीं है क्या? ऐसे दिखाती है जैसे उसी की बेटी दुनिया में सबसे सुंदर है। प्यूरी तू तो कह रही थी कि तू नहीं जाएगी। उससे नहीं बुलाया तो क्या हो गया, पड़ोसा नहीं तो है, उससे क्या झगड़ा मारना। कैसे शर्मा रही है। अरे मंजू तुम भी आ गई, हटो पीछे, क्या कर रही है? क्या बात है, तुझे बुलाया नहीं इसलिए नहीं आऊंगी कहा था? मुझे तो पता था तू तो जरूर आएगी। वो कैसे? सारे लोग सामने देखो। देवी इतना क्यों शर्मा रही हो, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। तो तुझे बुलाया नहीं था तो क्यों आ गई? अरे आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हम दुश्मन थोड़ी ना हैं। चाहे जो भी हुआ हो मैं आपकी बेटी जैसी ही तो हूँ। तू मेरी बेटी बनेगी तो मुझे ज्यादा डर है, मेरी जायदाद में हिस्सा मांगने लगेगी। आपके पास कौन सा खजाना है? चलो वहाँ देखो फोटो। कार्तिक देखा ना हमारे एरिया में कितना अच्छा फूल खिला है। हाय इन सब बातों में उस्ताद दे दूँ, जहाँ जो बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलता है। वो तो अच्छा हुआ करण भाई के साथ अपन भी निकल गए। गाड़ी आगे होगी चलो। हाँ बोलो। हे आज न्यू ईयर है, मैंने पापा से कह दिया कि मंदिर जाना है और कब से तैयार बैठी हूँ, लेकिन तुम हो कि फंक्शन में वीडियो शूट करने चले गए। कैसी लड़की हो तुम, लड़के के साथ रात में जाने के लिए कह रही हो? नया साल कल है तो हम कल ही मिलेंगे। कौन है मंदिर के बाहर भिखारी की तरह खड़ा है? तो बेटा आज के शुभ दिन भी ऐसे दारू पी के आए हो, आज के दिन बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद देना चाहिए। कार्तिक कार्तिक बुजुर्गों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। न्यू ईयर के दिन माँ बाप के पैर नहीं छूने चाहिए, धरती माँ को दंडवत करना चाहिए, समझ गया? कि अबे निकल यहाँ से, दिमाग खराब कर। कभी नहीं सुधर सकते क्या यार, आज मौसम बहुत सुहाना है। न्यू ईयर मतलब सुहाना मौसम। मैं लड़कियों की बात कर रहा था कार्तिक, मैं अंदर जाकर किसी लड़की से प्यार करता हूँ। ए कालिए उस सुमति का क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। उसके बाप सुनामी सिंह से पूछ, वो बताएगा। चल रहे थॉमस चलते हैं। कल पूछ लूंगा ना मैं, रुक पूछता हूँ। कौन है बे जो छुपकर मार रहा है, हिम्मत है तो सामने आके बात करना। डर पोक कहीं का।
अरे ये तो, ए कार्टून यहाँ क्या कर रही है? सुमति ने बुलाया है तुझे। हाँ जरा भी अक्ल नहीं है क्या? हमेशा गंवार ही रहोगे क्या? चर्च आते वक्त ऐसे शराब पी कर आते हैं क्या? हैप्पी न्यू ईयर सुमति। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। चलो ये चॉकलेट ले लो। थैंक्स भी नहीं कहोगे क्या? ठीक है खा लो। और हाँ I love you. अब से मैं जहाँ भी बुलाऊंगी आना ही होगा तुम्हें। जब मैं स्कूल जाऊँ तो बस स्टैंड की चाय की दुकान पर खड़े रहना। स्कूल से वापस आते समय भी तुम वहीं खड़े मिलना। आज के बाद से ये आवारा गर्दी नहीं चलने वाली। क्यों? समझ में आया ना? कहाँ है तुम्हारे बाकी के आवारा दोस्त? नमस्ते भाभी। संभल कर इन्हें घर ले जाना, ठीक है? ले जाऊंगा। हाँ। ए, पागल गधे। क्या हुआ? ए पागल गधे, गालियाँ सुनने में भी मजा है। ए, हाँ। इसके पहले मैंने तुझे कितनी बड़ी बड़ी गालियाँ दी हैं, वो तुझे अच्छी नहीं लगी क्या? ये लड़कियाँ बाहर से खूबसूरत दिखती हैं, अंदर से बदसूरत होती हैं। तू होगा बदसूरत। वो तो मेरी मोहब्बत है बे। सुमति, नाम भी देखना कितना अच्छा है। क्या बोला बे? बहुत अच्छा नाम है भाई। नाक में दम करके रख दिया है, ना जाने कहाँ से प्यार हो गया इसे। हेलो, कौन है? मैं हूँ कार्तिक। केरला बॉर्डर पर माल पहुँचाना था, बोला था ना। नहीं कर पाऊंगा वेलू। ए वेलू वेलू वेलू, कितना किलो है? 10 किलो। अब उनको कितना मिलेगा? 25,000। क्या वेलू, 25 लाख का माल है और तू 25,000 देगा? 1 लाख देता है तो बोल काम करता हूँ। भाई 1 लाख रुपए मांग रहा है। उसे को हाँ बोलो। ठीक है कार्तिक। क्यों कार्तिक, तुझे वो लड़की मिल गई है ना, तो फिर क्यों? अरे वो बड़े घर की लड़की है, उसे अच्छे से रखना होगा ना। बस ये आखिरी बार कर रहा हूँ, उसके बाद ना कोई बुरा काम ना कोई परेशानी। Only सुमति। नहीं नहीं, तुम्हारे पापा तो मुझे मार ही डालेंगे। वो खुद तुम्हारे कोर्स के पैसे भर के आए हैं। अब अगर तुम एग्जाम देने नहीं गए तो पता नहीं घर पे क्या होगा। माँ, काव्या की आज शादी है और कल रिसेप्शन है, इतने सारे काम छोड़कर एग्जाम कैसे दे पाऊंगा? सारे कामों के लिए लोग रख लिए हैं। रिसेप्शन रात में है ना, तब तक एग्जाम खत्म हो जाएगा। तुम सिर्फ एग्जाम पर ध्यान दो, जाओ। ठीक है पापा। बेस्ट ऑफ लक अरुण। लक होता तो भैया पहले ही पास हो गए होते। ट्राई टू डू योर बेस्ट भैया। अरे बेटा 50 रुपए देना, एक कटिंग मार के आता हूँ। चुपचाप लेटा रहे, परेशान मत करो। क्या बेटा, अब अपने बाप को ऐसे डांट रहा है? क्या बेटा, इतनी सारी चाय पत्ती? हाँ, तुम्हारा बेटा चाय की दुकान खोलने वाला है, आगे पूछने वाली। हमेशा सवाल करना जरूरी है क्या? देख लिया ना, गुस्सा बिल्कुल बाप पर गया है, लेकिन इसका चेहरा मुझ पे बिल्कुल ही नहीं गया है। क्यों रे, मेरे नाराने पर कोई और आता था क्या यहाँ? हाँ? अमिताभ बच्चन आता था। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया? बंद रखो। ये क्या है बेटा? गांजा है। ये किस लिए यहाँ लाया? मुंह बंद कर अपना, मेरा बेटा कमाएगा तभी दारू पीऊंगा ना मैं। काम भी नहीं करने दे रही है मेरे बेटे को। ए बापू, इस बैग को हाथ मत लगाना तुम, अगर हाथ लगाया ना तो आप उनका हाथ चलेगा। ए माँ, अपुन आता है, थॉमस बाइक लेके आएगा, चाबी लेके रख लेना। हाँ बोल। दीदी की शादी है, हमें ट्रीट कब देगा? ओए मैं अभी एग्जाम देकर कॉलेज से बाहर निकला हूँ, तू शादी पे आ तब देखते। नहीं यार, शादी में बहुत सारे मेहमान होते हैं, वहाँ पे नहीं जमेगा। तू शिवा के रूम पे आ, वहाँ मजे से पियेंगे। क्या दिमाग खा रहा है। आता हूँ रख। घर के पास आने को तुझे किसने बोला? तो उसी समय वापस जाने को बोल दिया होता ना, यहाँ तक क्यों आई? चल हट, मुझे बात नहीं करनी। अरे क्या बार बार डांट रही है मुझे, तेरी उम्र देख मेरी उम्र देख। तो अंकल जी बोला करूँ क्या? सुनिए जी, ऐसे पुकारना। शक्ल देखिए अपनी, सुनिए जी बुलवाना है इसे। हाँ तो इसमें कमी क्या है, और तेरे को भी तो यही शक्ल पसंद आई। पसंद आई इसलिए तो शर्म छोड़कर आई लव यू कहा तुम्हें, पर आजकल के लड़के तो देखते ही आई लव यू बोल देते हैं। चल क्या बोली, कौन बोला ऐसा? नाम बता उसका, सीधा कर देगा उसको अपुन। अच्छा, इसी गुस्से को देखकर तो मैंने तुम्हें पसंद किया, लेकिन मेरे सामने तुम्हारा ये गुस्सा नहीं चलेगा। मुझे नहीं पीनी यार, फंक्शन खत्म होने के बाद हम सब साथ में पिएंगे। ए भाई समझाना यार। ए सतीश गिलास मारक। ए कुमार तुम लोगों को पीना तो पियो, इससे जबरदस्ती मत करो। ठीक है भाई। कल का फंक्शन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई। हेलो। ए कहाँ हो तुम? बस अभी आया मैं ऑलरेडी फ्रेंड्स के साथ मैरिज होम आ गई हूँ। कहाँ हो तुम?
अरे बाबा 10 मिनट में आया। ठीक है जल्दी आओ। हे अरुण, तुम लोग पीकर निकल जाना, मुझे रात में थोड़ा काम है, सुबह मुहूर्त के समय पे आ जाऊंगा। लेकिन आना जरूर। हाँ ठीक है। ए मोटे, चल अभी चलते हैं। लोकेश तू निकल गया है ना? बस आ ही रहा हूँ शिव। आज रात को हमारा प्लान मिस नहीं होना चाहिए। आज काम पूरा करना ही है। कल सुबह अपनी सहेली के पापा को देखने सरकारी अस्पताल जाऊंगी स्कूल से पहले, तुम भी वहीं आ जाना। वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे ना, तो बात कैसे करेंगे? कितने डरपोक हो तुम। एक अस्पताल में लड़का लड़की बात करेंगे तो किसी को भी शक नहीं होगा। तेरे को तो मैं कितनी शरीफ समझता था, लेकिन तू तो हम लोगों से भी खतरनाक है। मेरे जैसी लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। तू अकेली ही काफी है, बाकी लड़कियों की जरूरत नहीं है। क्यों, मुझ में क्या कमी है? अरे 12वीं में पढ़ने वाली आई लव यू बोलती है, तो और क्या बोलूं तुझे। तो ठीक है तुम जाओ। पता है मोहल्ले के कितने लड़के मेरे पीछे पड़े हैं। अरे तू नाराज क्यों हो रही है? अब तो मजाक कर रहा था। तो फिर क्या करूं, मैं कितनी सीरियसली बात कर रही हूं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। आजकल मुझे रात को नींद भी नहीं आती, बताया तुम्हें? अरे तो क्या हुआ, एक क्वार्टर मार लेने का, नींद अच्छी आएगी। एक लगाऊंगी ना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। कल सुबह याद से अस्पताल आ जाना। ओए माय माँ। हाँ माँ बोलो। कहाँ हो बेटा, रास्ते में हो क्या? हाँ बस मैं पहुँच ही रहा हूँ दोस्त की बाइक से। जल्दी आ जाओ बेटा, सारे रिश्तेदार आ चुके हैं। हाँ ठीक है, मैं अभी आया। क्या माँ, बापू ने घर से हकल दिया क्या? ए थॉमस, बाइक छोड़ के गया है। चाबी कहाँ रखी है? अंदर टेबल पर रखी है, ले लो। बापू किधर है? हाँ कहाँ होगा, किसी दारू की दुकान पर पड़ा होगा। अबे साले मेरे ऊपर उल्टी मत कर देना। हेलो हेलो, अरे भाई अबे, बोल क्यों नहीं रहा? अबे मेरा फोन बज रहा है, गधा कहीं का। बहुत चढ़ गई है। हाँ बोलिए अंकल। अरुण, हमारी ज्वेलरी वाली ऐड कंफर्म हो गई है। सच में अंकल? हाँ बेटा, कल सुबह सेट से जाकर मिल लेना। ठीक है मैं चला जाऊंगा, थैंक्स अंकल। अरे सुन, वो ज्वेलरी ऐड कहा था ना, फाइनली वो मिल गया। मिल गया, चल फिर से पीते हैं। इतना पिएगा तो पेट फट जाएगा। रुक रुक, गाड़ी रुक। कहाँ जा रहा है बे? काम पे सर। कौन से काम पर? चाय की दुकान पे जा रहा हूँ। बैग में क्या है? क्या हो सकता है सर, चाय की पत्ती है, चाय पत्ती दुकानों में सप्लाई करने जाता हूँ। ठीक है तो दिखा। सर इसमें तो चाय पत्ती है। अरे बेटा भाग गया तू। ब्लैक कलर यामा बाइक पर ब्लू कलर की शर्ट पहने एक लड़का गांजा लेकर जा रहा है, सभी नाके पे खबर कर दो, ओवर। हे लोकेश, क्या हुआ तुझे, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? कुछ नहीं शिवा, बस आते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट कैसे हुआ? पता नहीं कैसे हुआ। बाइक का नंबर देखा था क्या? उसे ऐसे ही जाने दिया? जाने दो शिवा, आदमी सोना लेकर निकल चुका है, कल 5:30 बजे बस अड्डे पर पहुंच जाएगा। तो फिर 5 बजे हम भी वहीं इंतजार करेंगे। बस से उतरने के बाद स्टैंड से स्कूटर उठाकर साईं बाबा कॉलोनी के रास्ते ही जाएगा। हमारे काम करने के लिए सही एरिया सेवक नगर ही है। 2 गाड़ियों में जाएंगे हम लोग, एक गाड़ी से अटैक करेंगे, दूसरी से गोल्ड उठाएंगे। इस हालत में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? मेरे साथ के लिए कोई लड़का है क्या? अपना काम आसान हो जाएगा। ए, रुको 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 रुको, साइड। दारू पिए ना? नहीं सर। अच्छा चल फूंक मार। चौकी 56 से फूंक मार। हाँ सर। मैंने नहीं पिया सर। सुनो, ऐसे आवारों की तरह इतनी रात को घूमना सही नहीं है, सीधे घर जाओ। ठीक है सर। जितने बाइक निकल रही उनको चेक कर रहा, खास तौर पे यामा, ब्लैक कलर की बाइक है, चेक करते रहना। क्या हुआ रे? बेइज्जती हो गई भाई, गलती किसी और की ओर फंस में गया। ऐसा लग रहा है कहीं जाकर चांद दे दूं। क्या सर, बाइक पर लड़का जा रहा था, स्मगलर समझकर आपने इसे पकड़ लिया, इसकी बहन की शादी है। उसी का पता लगाने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया। क्यों, घर में अगर शादी हो तो कोई गलती नहीं कर सकता है? ब्लैक कलर की यामा बाइक वाला पकड़ा गया सर, हुआ सर। अच्छा ठीक है, घर में शादी है इसीलिए जाने दे रहा हूँ, एक लेटर लिखकर इसे लेकर जाओ।
अब कौन सा लेटर? ओरिजिनल अक्यूज तो पकड़ा गया ना? दोनों शराब के नशे में पूरी तरह धुत थे। गाड़ी रोककर इंक्वायरी करने वाले पुलिस वाले पर हाथ उठाया तो किसे संदेह नहीं होगा। सर, मैंने दारू नहीं पी रखी थी सर, और मैंने कब पुलिस वाले को मारा सर? चार पैसे कमाने की औकात नहीं है, अब पुलिस स्टेशन के भी चक्कर लगवाएगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भैया? अपने बेटे को क्या पसंद है, उसमें क्या टैलेंट है, ये बात मेरे पापा क्यों नहीं समझ पाते? मुझे बेटा समझ कर नहीं उन्होंने बस एक एटीएम मशीन समझ कर पैदा किया। मेरे हाथ में एक बार पैसे आ जाने दो, आज तक पालने पोसने का जितना भी बनता है उनके मुंह पर फेंक दूंगा। पैसा मैं दूंगा। दारू पीने के बाद बाइक ठीक से चला लेगा ना? हाँ, चला लूंगा भाई। सुबह 8 बजे 2,00,000 रुपए तुम्हारे हाथों में मैं दूंगा। अपनी बहन की शादी का खर्चा तुम खुद उठाओ। सच में भाई? लेकिन सुबह तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। ठीक है भाई। ये कैसे शिवा? हमारे लिए हमारा प्लान इम्पोर्टेंट है, इसे आने दो। अरुण रहेगा ना? क्या भाई, अगर आप पैसे दे रहे हो तो रहूंगा नहीं क्या? आप ऐसा ही मत दो, उधार दे दो। अब मैं एक ऐड करने वाला हूँ, जैसे ही वो पैसा मिलेगा आपको दे दूंगा। वो चाय के पैकेट कहाँ पर है? स्मगलिंग का नया तरीका है क्या? वो सच में चाय पत्ती है सर, चाय पत्ती की कंपनी के लिए काम कर दो। एए, तेरे बाप को तो अंदर कर दिया है, सच बोलेगा तो उसे छोड़ दूंगा। सर मैं जानता हूँ बाप को बाहर कैसे निकालना है सर। भाई हम यहाँ क्यों बैठे हैं? ये ले। नहीं नहीं जाइए। कोई बात नहीं, पी ले। यहाँ किसी से मिलना है, वही पैसे लेके आएगा। नहीं बताएगा? क्या सर, आपकी मार बाहर नहीं पता चलेगी इसलिए मार रहे हो ना? आप मेरे बारे में ठीक से जानते नहीं हो सर। अब घाव बन गया है ना, अब सीधे जज के पास जाके मुझसे झूठ बुलवाने के लिए तुम लोगों ने मुझे मारा पीटा अगर ये कह दूं ना तो उसके बाद तुम लोगों की इंक्वायरी होगी। तू तो वकील से भी ज्यादा होशियार है। हम लोगों को वकील से भी ज्यादा होशियार रहना पड़ता है। ए, इसे अस्पताल लेकर जाओ। ओके सर। लोकेश, तुम और अरुण उसके पीछे पीछे जाओ। सिटी क्रॉस करते ही स्पॉट पे पहुंच जाना, मैं उसे फॉलो करूंगा। सुनो, चलो। लेकिन जाना कहां? चलो। बस यही साइड में रोक दो। यहाँ पर? हाँ यही रोको। भाई पैसे बस स्टैंड पे लोगे कहा था ना, तो यहाँ क्यों चले आए? तुम्हारा पैसा यहीं मिलेगा, इसे पकड़ो और हाथ में रखो। क्या है ये? कॉल कर देखो। ये लाल मिर्च पाउडर किस लिए? वो देखो, गाड़ी से आ रहा है ना, जब वो नजदीक आ जाता है उसके मुंह पे फेंक देना। नहीं भाई ये गलत है, शिवा भाई किसी से पैसे लेकर देंगे ऐसा कहा था। उसके ही पास है, तुम्हारे बाप को पैसे देने हैं नहीं? मैं वहां खड़ा हूँ, उसके पास आते ही मुंह पर फेंक देना। हेलो, हम रेडी हैं शिवा। देखते आ गया, फेंक दे।
मुझे, तुम मुझे। नहीं भाई, नहीं। ये क्या किया आपने? ये आपने क्या किया? हम इसी के लिए आए यहाँ पर। ये क्या करो, छोड़ दो उसे। आजा, मैं बोल रहा हूँ आजा। ए आजा वरना हम फंस जाएंगे। जल्दी जल्दी। मैं नहीं था वो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मैंने कुछ नहीं किया। सर 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 सर, ये हथकड़ी खोल दो ना सर। क्या हुआ, मजाक चल रहा है क्या? चल चुपचाप। सर मैं नहीं भागूंगा सर। एक मारूंगा ना थोबड़ा बिगड़ जाएगा। सर जो चाहो वो बोल लो, मेरी वाली वहां पर खड़ी है, बस उससे मिलके जल्दी आ जाओ। वो भी तेरी तरह जेब कतरी है क्या? सर नहीं सर, बहुत अच्छी लड़की है। ओहो, तुझे भी लड़की प्यार करती है क्या? हाँ सर, हाँ सर, ट्रीटमेंट तो हो चुका है, अब इसे स्टेशन लेकर आऊं या यहाँ से सीधा कोर्ट लेकर जाऊं? छोड़ दो उसे। क्या सर, सच में छोड़ दूं उसे? हाँ भाई, सच तो वो बताएगा नहीं, कोर्ट ले जाने में कोई फायदा नहीं, हमारा ही समय बर्बाद होगा। अभी जाने दो, बाद में देख लेंगे। ठीक है सर। सर सर सर, अरे एक मिनट, बात करनी है सर। सर सर बस एक मिनट सर। सर वो महेंद्र का माल था सर। आपने जब मेरा पीछा किया तो मैंने उसको वापस कर दिया, मैं कोर्ट में गवाही भी देने को तैयार हूँ सर। सर मेरी शादी होने वाली है सर। आखिरी बार एक गलती करके पैसा कमाना चाहता था। सर कसम खा के बोलता हूँ सर, आज के बाद मेरे से कोई गलती नहीं होगी सर। आप चाहो तो मैं रोज थाने आकर साइन करके चला जाऊंगा, सिर्फ इस बार मुझे छोड़ दो। हमारे सामने दादागिरी करेगा तू? अभी जानता नहीं है शायद मुझे, तू सबके सामने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, उसने सब कुछ बताया मुझे, तुझे क्या लगता है? माना गलती हो गई, पर हम लोग अपराधी नहीं हैं, पर पुलिस और कोर्ट इसे नहीं मानती। अगर तुम पुलिस या कोर्ट को सच्चाई बता भी दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तुम तभी बेगुनाह साबित हो सकते हो जब जिसने अपराध किया वो खुद आकर अपना गुनाह कबूल करे और सच्चाई बताए। तुम्हारे केस में जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि तुम इन्वॉल्व नहीं थे तक वो नहीं छोड़ेंगे। जब जब कहीं रॉबरी होगी तो वो सस्पेक्ट के तौर पर सबसे पहले तुम्हें पकड़ेंगे। भाई मुझे अपनी माँ से बात करनी है। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, फोन करके बात क्यों नहीं कर रहे हो? हेलो, कार्तिक रुकना रुकना भाई, इतना नाराज और क्या? पैसा कितना है पूछा तो बता नहीं रहा। अरे नहीं है तो नहीं बोलना पड़ेगा ना। अब सारे गलत काम छोड़कर मैं शरीफ बन गया हूँ ना, लेकिन तुम लोग को क्या हुआ है? अब मुझसे तो काम सीख लिया है ना। तूने अच्छा काम थोड़ी सीखा है, चोरी का काम सीखा है। बोल रहा है ये भी अच्छा काम है। कहीं जाकर दो पैसे कमाओगे तो मेरा खर्चा निकलेगा ना। अब मुझे भूख लग रही है, खाना खिलाओ बोल रहा हूँ तो पैसे नहीं है तुम लोगों के पास। सेठ के यहाँ चोरी वाले लफड़े में जब से फंसा हूँ कोई मुझे काम नहीं देता। इतना ही नहीं, मेरे पड़ोस की औरतें भी मुझे देखकर साड़ियाँ छुपा देती हैं। अब तू मेरी कितनी बेइज्जती करवाएगा भाई? अरे भाई एक मिनट रुकना। क्या हुआ? तेरी भूख मिटने वाली है। वो कैसे? दान पेटी चुराने को कह रहा है। वो नहीं बे, अंदर खाना बट रहा है, अंदर चल। ये भी तैयार हो गया। कार्तिक हम अगर भगवान के मंदिर में जाएंगे तो सिर्फ पूजा करने, क्योंकि हमारी भी अपनी इज्जत है, लाइन में लगकर खाना खाना हमारी मर्यादा के खिलाफ। सब चले गए, कहाँ चले गए? मुझे भी। अरे
अरे वाह, मेरे लिए ले आया। अरे सुन, दे दे, प्रसाद खत्म हो जाएगा, जल्दी जाके ले ले। हमारे साथ में पानी भी लेके आना। जाओ स्वार्थी कहीं के। पंडित जी आ रहा हूँ। बहुत भूख लगी है। अरे बाप रे, अरे ये खाना तेरे लिए तो लाया हूँ, सोच कह रहा है। अरे बाप रे, क्या ये सब काम ढूंढने के लिए कहा, तो यहाँ मंदिर में भीख मांगने के लिए बैठ गए? इससे शादी करोगी तो सुबह का नाश्ता यहीं होगा बहन। इसके पास तो अकल नहीं है, पर तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? तुम नहीं समझा सकते थे? तू काम पे लग जा, तेरी वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बोला था ना। ये कैसी आवाज थी? मंदिर के घंटे की आवाज है बहन। अब जल्दी से अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढ लो, उसके बाद ही मैं अपने घर में हमारे बारे में बात कर सकूंगी, वरना भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ समझ में आया या नहीं? हाँ समझ गया समझ गया। पहले ना ये संभालो कि अपनी बात घर पे पता ना चले, वही मेरे लिए अच्छा होगा। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर से ये कैसी आवाज आई? ये भी मंदिर का घंटा था। नमस्ते सर। सर बेल ऑर्डर। आओ अरुण बैठो। शिवा। हाँ बोल। अरुण बेल पर बाहर आ गया है। क्या करें? काम मिला तो जाएगा ना यार, वहाँ जाएंगे तभी काम मिलेगा ना, थॉमस ने बताया है, जल्दी चलना। कमाल है यार, इतने सारे लोग नौकरी मांगने आए हैं। उस नमक हराम में अपनी जात दिखा दी ना, हमारे अलावा और लोगों को भी बताया उसने। अच्छा कार्तिक, यहाँ सरकारी नौकरी मिलती है, मुझे पहले पता ही नहीं था, पता होता तो मैं भी सरकारी पेंटर बन जाता ना। तो अब क्या हुआ? अब ले लेते हैं नौकरी। तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा कार्तिक। ये आदमी हमें घूर घूर कर क्यों देख रहा है? प्लस टू हो क्या? डिग्री क्या है? तो क्या आगे चल। क्या बेटा, एमबीए के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन करने आए हो? क्यों, कहीं और काम नहीं मिला क्या? काम कर रहा हूँ सर, लेकिन अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो उसे छोड़ दूंगा। क्या बकवास किया जा रहा है, निकलना चुपचाप। हाँ आया आया। कहाँ तक पढ़ाई की है, सर्टिफिकेट दो। तुम लोग ऐसे हंस क्यों रहे हो, बताओ कहाँ तक पढ़े हो? पांचवी पास है। ठीक है, सर्टिफिकेट कहाँ है? वो कहीं के लिए। देखो तुम सर्टिफिकेट दोगे तो ही यहाँ रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। ऐसा है क्या? ठीक है मैं कल लेके आ जाऊंगा, अभी नौकरी क्या है वो तो बता दो ना। मजाक कर रहा है क्या, पांचवी तक पढ़ा है और नौकरी के बारे में पूछ रहा है? यहाँ लोग बी ए एम ए पास करके रजिस्ट्रेशन करवाने आते हैं और सालों इंतजार करते हैं। मतलब तुमने अभी तक किसी को नौकरी नहीं दी? जो जितना पढ़ता है उसको उस हिसाब से नौकरी देनी चाहिए। मैंने पांचवी पास किया, मेरे को उस हिसाब से नौकरी दे दो। कैसी नौकरी? ये देखो इसकी तरह फाइल ढोने का काम कर सकता है। पता है मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है? एमएससी एमफिल, गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती। बाहर जाओ। बड़े आए नौकरी देने वाले। अबे सरकारी नौकरी पाने में जब इतनी मेहनत है तो करने में कितनी मेहनत होगी? कार्तिक सरकारी नौकरी मिलनी ही मुश्किल है, एक बार मिल गई ना तो फिर ऐश ही ऐश। वो लड़की क्या समझती है अपने आप को, तुम्हें नौकरी करने के लिए बोल रही है? फोन लगाओ मैं बात करता हूँ। काव्या फोन उठाओ, कब से बज रहा है? हेलो। हाँ चाची, ऐसा कुछ नहीं है, आ गया है। ठीक है चाची, बाद में बात करती हूँ। इसने मर्डर थोड़ी ना किया है, न जाने किसी ने इसका मिसयूज किया है, ये तो अनजाने में ही फंस गया। दामाद जी, पता नहीं वो कौन है, आप जरा देख कर। अरे माँ आप इस बारे में चिंता मत करो, दो तीन दिन इसे अकेला छोड़ दो। सुनो अरुण, खड़े क्यों हो, यहाँ बैठो। ऐसे कैसे सब कुछ ठीक होगा, अरुण को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। काव्या इसका सामान पैक करके ले आओ, चलो अरुण तुम मेरे साथ चलो। भूल जाओ अरुण, पापा दो तीन दिन में ठीक हो जाएंगे। कुछ तो बोलो, चुप क्यों? मुझे थोड़ा अकेले रहना है जीजा।
अरुण, क्या हुआ तुम्हें? बहुत कुछ सुना तुम्हारे बारे में, लेकिन नित्या ने विश्वास नहीं किया। तुम्हारे लिए अपने पापा से झगड़ा भी कर लिया, अपनी फैमिली को ब्लैकमेल भी किया कि वो सुसाइड कर लेगी। अब कोई परेशानी नहीं है, चलो। कैसे बात कर लो। नहीं, हीरो लग रहा हूं। घर का चपरासी लगता है, उतार के फेंक दे ये चश्मा। क्यों? अपुन अपने आइटम से मिलने जा रहा है तो अच्छा दिखने के लिए चश्मा पहना है। तुझ जैसे छछुंदर को चश्मे की क्या जरूरत है? बकवास लग रहा है, उतार इसे। ए कार्तिक, क्या बकवास कर रहा है तू? मैं स्मार्ट नहीं हूँ? नहीं है। स्मार्ट नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इंसान तो हूँ ना। ये राज किसी को बोल मत देना, ठीक है ना? क्या बोला राज? ए ए कार्तिक, तूने मेरा अपमान किया है। हाँ तो बराबर ही किया ना। ए, जैसे मैं तेरे साथ तेरी आइटम को मिलने आया हूँ, वैसे ही तेरी आइटम के साथ कोई लड़की तो आएगी ना, मैं उससे प्यार कर सकता हूँ ना? नहीं कर सकता। मेरे प्यार के बात पर तू झगड़ा क्यों कर रहा है? तू प्यार करेगा तो ही झगड़ा होगा। बार बार तू मेरा अपमान कर रहा है कार्तिक, ये ठीक बात नहीं है। मैं दुखी हो गया। मैं बोल रहा हूँ ना, फिर भी गधों की तरह बार बार पहन रहा है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझा? गुड कैच। मेरे सपनों की रानी सामने से आ रही है। पेंट के नए ब्रश की तरह लग रही है। क्या है? हमेशा सिगरेट पीते रहते हो। आजकल ना सिगरेट पीकर उतने हार्ट अटैक नहीं आते जितने इसकी कीमत जानकर आ जाते हैं, और तू इसको वेस्ट करने जा रही है। ठीक है, पियो। हाँ? मैं देखती हूँ। ये क्या, बीच सड़क पर बोर्ड गिर गया है, उसे उठाओ जरा, जाओ। अरे देख क्या रहे हो, हटाओ उसे जल्दी। हो गया खत्म? हाँ हो गया। अब चलें? जरा सुनिए मैडम, मेरा नाम राजेश है, बड़ा पेंटर हूँ। यहाँ की कई बड़ी बिल्डिंग को मैंने ही पेंट किया है। अभी तक किसी लड़की पर दिल नहीं आया, लेकिन तुम पर आ गया। पहले अपनी सड़ी सी शक्ल पे कलर मारो, फिर मुझसे बात करो। शक्ल पर कलर मारूंगा तो बात करोगी? ये चश्मा क्यों पहना है, कार्टून लग रहे हो, उतारो इसे। महक आ रही है क्या? बहुत आ रही है। नोच क्यों रही है? अब से सिगरेट दारू नहीं पीऊंगा, कसम खाओ। नहीं हो सकता। कसम खाओ। मेरी नहीं, अपनी कसम खाओ। बहुत शानी है। अच्छा सुनिए मैडम, मैं सिगरेट पीऊंगा तो मेरा हाथ पकड़ोगी? कल से ना अपुन इसके साथ पेंटिंग के काम पे जाएगा, तू देखती रह।
अभी तो काम पे जा रहा है, उसके बाद आप उन बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी उठाएगा और कार लेके मोटे कोई ड्राइवर रखेगा। भाई मैं ड्राइविंग जानता हूँ भाई, देखा मेरे दोस्त को। अरे आप उनका टाइम चेंज होने वाला है। भाई हम दोनों एक ही पार्टी के हैं, अगर आपस में झगड़ा करेंगे तो हमारी पार्टी का ही नुकसान होगा ना। पार्टी में आप हमारे सीनियर हैं, अगर मुझसे कोई अनजाने में गलती हो गई तो आप मुझे माफ कर दो। अगले इलेक्शन में आपको मेरा साथ देना होगा भाई। जब तुम काम पर जाओगे तब मेरा बहुत ख्याल रखोगे ना? नहीं नहीं, अरे आपुन जब बिजनेसमैन बनेगा तो लड़की आपुन के आगे पीछे घूमेंगी, उसी में से एक के साथ शादी कर लेगा। हमारी पार्टी में तुम्हारा कद बहुत बढ़ गया है, मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सर पर रहेगा। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ठीक है बाबू, फिर मिलेंगे। भाई जरा माचिस देना। तूने मुझ पर हाथ उठाया, हाथ उठाया मुझ पर। ए तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? ए मर्द का बच्चा तो यही, रुक मैं दिखाता तुझे अभी मैं कौन हूँ। ये जाने बिना तूने मुझ पर हाथ उठाया। नेताजी नेताजी, उसने मुझे मारा नेताजी, मैं भी आप ही की पार्टी का हूँ, उससे पूछो उसने क्यों मारा मुझे। चल हट, दिमाग खराब कर रहा है। नेताजी नेताजी, आप पर ध्यान नहीं दोगे नेताजी नेताजी नेताजी। चल जा, देखो ना नेताजी उसने मुझे मारा। किसने मारा? वो देखो वो जा रहा, वही नेताजी। कहाँ से आ रही है बेटी? स्कूल गई थी पापा। स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनी? एक्चुअली स्कूल की छुट्टी थी पापा, नेक्स्ट ईयर की क्लासेस थी। ठीक है जाओ। ये राजेश भाई कैसे हो? ठीक हूँ भाई। अरे तो पीने यार दिखा रहा है अपना। ए? मेरा असिस्टेंट है यार, यहाँ मिलता रहता है। और सतीश, दो क्वार्टर। और ए, तुझे कोल्ड ड्रिंक चलेगी क्या? दारू नहीं है? दारू? ए, तू नहीं पिएगा, उसके सामने कसम खाई थी ना। सुन भाई, तीन क्वार्टर लेके। ठीक है। क्या? ए, आपू ने कसम खाई थी कि दारू नहीं पिएगा, लेकिन मन में क्या चल रहा था तू जानता है? सच बोलता है, आज एक दिन अपन जरूर पिएगा, कल से नहीं पिएगा। कार्तिक, तू मन में चाहे जो भी सोच ले, लेकिन इंसान को ईमानदार तो होना चाहिए ना। अबे अभी उसी के मुँह से हाँ करवाता हूँ, देख। सारे दोस्त दारू पीने के लिए आए हैं, लेकिन आपुन सिर्फ कंपनी देने के लिए आए हैं। कल से मोटे के साथ पेंटिंग की नौकरी पर जाने का है ना, इसलिए बस आज के दिन दारू पी लेना और कल से छोड़ देना, ऐसा मोटा और थॉमस बोल रहे है। हमने कब कहा? थप्पड़ पड़ेगा, तुम्हें अकल नहीं है क्या? आपुन ने भी बोला था कि सुमति से वादा कर चुका है, इसलिए आपुन ने मना कर दिया। अरे आपुन जानता था तू नाराज हो जाएगी। चल कोई बात नहीं, तेरे को नहीं पसंद तो जाने दे, चल तू आराम से सो जा। क्या हुआ, थप्पड़ मारने के लिए बोली ना? बोली होगी। हमने कब कहा यार? अभी तुरंत फोन आएगा तू देख। बोला था ना, बोला आया कि नहीं? लाउड स्पीकर में लगाता हूँ, सुन। लगाना, हम भी सुनेंगे। क्या कर रहे हो? अरे वो अपन पी नहीं रहा है, उल्टा अपन ने बोल दिया कि तुम लोग जाकर पी लो। ठीक है, थोड़ी सी पी सकते हो, लेकिन कल से मत पीना, ठीक है? ठीक है सोना। इस तरह के लड़कों के साथ तुम रहते ही क्यों हो? आज के बाद नहीं रहूंगा। हमें क्यों फंसा रहा है भाई? कार्तिक तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। छोड़ना यार, अरे मेरे जैसे लवर के दोस्त बनोगे तो ऐसी कई बातों को झेलना ही पड़ेगा। मैं जाके सिगरेट ले आता हूँ। थॉमस तुम मेरे साथ ठीक से काम करना, समझे? मैं काम पे नहीं जाऊंगा। क्यों? तू मुझ पे हुकुम चलाएगा इसलिए।
भाई ये रहा आपका ऑर्डर, और कुछ चाहिए? पहले बोतल लेके बाहर फेंक दे, ले। सुनो भाई दो हाफ लेके आना। ए कार्तिक, तुम सुमति से प्यार करते हो? वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद कैसे संभालोगे? ये सुमति का कैसे ख्याल रखना है अपुन जानता है, तू चुप कर। मैं क्या बोल रहा हूँ तू समझ नहीं रहा है यार। माँ कहाँ है बेटा? दीदी के घर भी नहीं आए। हम लोग बहुत डरे हुए हैं, अब कहाँ हो तुम? यही हूँ माँ। घर आ जाओ बेटा। नहीं माँ, मुझे घर नहीं आना है माँ। क्यों बेटा? सब लोग मुझे अलग नजर से देखते हैं माँ। ये क्या बोल रहे हो अरुण? मुझे अब वहाँ नहीं आना है माँ, हम किसी और घर में चले जाते हैं। चले जाएंगे बेटा, अभी तुम सीधे घर चले आओ। माँ हाँ? पापा मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते माँ? मैं जानबूझकर नहीं करता हूँ ये सब, अब तक मैंने कोई गलती नहीं की है माँ। पापा तुम पर भरोसा करेंगे, तुम जल्दी घर आ जाओ। नहीं माँ, मैं नहीं आ रहा। माँ की बात तो सुनो बेटा। उसे दे दो। वो देख तो, इतना भी पीना क्या कि पीने के बाद होश ही ना रहे? पता नहीं लोग क्यों इतना पीते हैं। सुन एक मिनट रुक। इनके घर पे छोड़ दे क्या? ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसे में छोड़ना ठीक नहीं होगा। ये तो अच्छा खासा था, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? लानी क्या हुआ होगा? कुछ दिन से दिखाई भी तो नहीं है। कल सुबह 8 बजे काम पर आ जाना, लेकिन तनख्वाह नहीं है। हा? तनख्वाह नहीं है तो फिर कार का कॉन्ट्रैक्ट कैसा लेगा, और अपनी बिल्डिंग में तेरे को ड्राइवर कैसा रखेगा? साला पैसा रहेगा तो बात कर। ये क्या, ये मुझे बिल्डिंग का ड्राइवर बोलकर गया? बिल्डिंग का नहीं तो क्या, कार का ड्राइवर बनेगा बे तू? चल ए, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। किसने भेजा इधर को? किसने भेजा? बोल। ये लीजिए, इसे पी लीजिए। पी लेंगे तो तबीयत ठीक लगेगी। एक मिनट रुकिए। ये चुड़ैल तो बाहर ही खड़ी है। एक दूं क्या तुझे? सब जानती हूँ मैं, भूत नहीं कहेंगी। Thank you.
तुम थोड़ा ऊपर की ओर देखो। अरे सुनो कनिका, अरे वो रामास्वामी घर बनवाने के लिए लोन के पैसे लेकर भाग गया था ना, उस पर कंप्लेंट करने के लिए एमएलए ने थाने जाने को कहा है, तुम तैयार रहना। हां जी, तैयार रहूंगी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। वो कल सड़क पर आप बेहोश पड़े हुए थे, आपको कोई गलत ना समझ ले इसलिए मैं अपने घर ले आई। ऐसा लगता है सिलेक्शन में वो ही जीतने वाला है। खुद को समझता क्या है, वो एमएलए ही है, कोई तोप नहीं है वो। पिछले इलेक्शन में मैंने पार्टी का काम ठीक से नहीं किया था तो नेताजी ने टिकट उसको दे दी, लेकिन इस बार इलेक्शन में किसी भी हाल में उसे टिकट नहीं मिलनी चाहिए। पार्टी के लोगों में उसने अपनी अच्छी इमेज बना ली है, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्व कर देता है। हाँ तो इसीलिए नेताजी भी उसे बहुत चाहने लगे हैं। तो उनकी चाहत खत्म करनी होगी शेखर, अब तक मेरे सामने जो भी खड़ा होता था उसे तुम ही टपकाते थे ना। नमस्ते मयूर, पिछले इलेक्शन में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट छाप कर तुम्हारे टिकट का पत्ता साफ करने वाला रिपोर्टर राममूर्ति अभी बाबू के घर में आया हुआ है। इस बार वो रिपोर्ट नहीं भेज पाएगा। हमारी पार्टी में बाबू भाई के अपोजिट जो मयूर है वो वजह है उसकी। इतने सालों से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, सही मायने में उसकी जगह पर आज मुझे होना चाहिए। शेखर, सेना में सिखाया जाता है हमारी भले ही दोनों आंखें चली जाए लेकिन दुश्मन की एक आंख तो जानी ही चाहिए। उसने हमारी एक आंख निकालने की कोशिश की है, हम उसकी दोनों आंखें निकाल लेंगे। यही राजनीति है शेखर। देखो अरुण आ गया। अरुण बेटा, कहां था तुम? तुम कहां थे रात भर? हां तुमने कहा था कि तुम कल आओगे और फोन भी स्विच्ड ऑफ था, हम सब कितना डर गए थे पता है? दोस्त के घर था। इतना होने के बाद ही फ्रेंड फ्रेंड करते हो। काव्या, थोड़ी देर शांत हो जाओ, सोच समझ कर बोला करो तुम। अरुण तुम अंदर जाओ। अरुण तुम ही हो ना, हमारे साथ थाने चलना होगा। अरे सर, अभी अभी तो इसे छुड़ा कर लाए हैं, फिर से आप थाने ले जाना चाहते हैं? एक छोटी सी इंक्वायरी है, जो पूछना है यहाँ पूछ लीजिए। नायडू की दुकान में चोरी हुई उसी की इंक्वायरी करनी है। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने दोस्त के घर पे था सर। देखो कल नायडू की दुकान में चोरी हुई है। जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि तुम इन्वॉल्व नहीं थे तब तक वो नहीं छोड़ेंगे। जब जब कहीं रॉबरी होगी तो वो सस्पेक्ट के तौर पर सबसे पहले तुम्हें पकड़ेंगे। देखो कल रात हुई ज्वेलरी की चोरी में अगर तुम्हारा हाथ है तो साहब को सब सच बता दो, वो खुद ही तुम्हें पेड़ पर छोड़ देंगे, वरना बहुत मारेंगे तुम्हें। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर। अब इसके आगे तुम्हारी मर्जी। क्या सर आप लोग, उस दिन इसे स्मगलर समझ के आप उठा कर लेकर आए और कल रात ये घर क्या नहीं आया, आप इंक्वायरी के नाम पे उठा कर लेकर आए हैं? इसने कहा ना आपसे कि ये अपने दोस्त के घर गया था। देखिए अभी इंस्पेक्टर साहब नहीं है, उनके आने का इंतजार कीजिए। हेलो, हाँ लॉयर साहब है क्या? नमस्ते सर। क्यों भाई, 9 बजे सब साइन करते हैं, तुम 10 बजे साइन करने आए हो? वाइफ की तबीयत खराब है सर, अस्पताल में छोड़ के आ रहा हूँ। कौन सी वाइफ, इसको भगा कर लाया वही ना, वो गोरी वाली जिसे हमने गलत धंधे के केस में पकड़ा था। संभल कर रहना, कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए। सर अब कोई गलत धंधा नहीं करता हूँ। हाँ राजेश, अच्छा सुन, अरुण को फिर से पुलिस स्टेशन लेकर आए हैं, उसने कहा इंस्पेक्टर के आने के बाद ही छोड़ेंगे। राजेश एक मिनट रुक, घर से फोन आ रहा है, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। हाँ ए, कल रात को ज्वेलरी की दुकान पर चोरी हुई थी, तुझे पता है क्या? सर अब मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है। ठीक है शाम को साइन करने आ जाना। मैं फिर आऊंगा सर, चलता हूँ सर।
सर सर यही है सर वो। रुक जा अरुण, अरुण पापा को हार्ट अटैक आया है, मुझे अस्पताल जाना होगा। मैं अस्पताल जा रहा हूँ, लॉयर से बात मैंने कर ली है, लॉयर इंस्पेक्टर से बात कर लेगा, यहाँ से तू सीधा अस्पताल आ जाना, ठीक है ना? ए, वहाँ क्यों खड़ा है, जाके पीछे बैठ। देखो वकील, उस फ्रॉड पर केस करना काफी नहीं है, उसे जल्द से जल्द जेल के अंदर डालना होगा, वरना हम सारी औरतें मिलकर काट डालेंगी उसे। हाँ क्यों वकील साहब, हमेशा तो एमएलए के साथ आते हो, आज औरतों का झुंड लेकर क्यों आए हो? ये सब अपने एमएलए के एरिया की महिलाएं हैं, किसी ने पैसा लेकर इन्हें धोखा दिया है। पति पर भरोसा करने की बजाय अनजान आदमी पर भरोसा करने वाली औरत हमेशा धोखा खाती है। आप क्या करें, जो होना था हो गया। देखो अरुण यहाँ क्या कर रहा है, दर्ज करने के लिए कहा है, आप केस दर्ज कर लीजिए। देखिए ये भोली भाली महिलाएं, उन्हें अंदर क्यों बिठा कर रखा है सर? क्यों, वो तुम्हारा पति है क्या? नहीं सर, वो मेरी पहचान वाले हैं, इसीलिए। मतलब तुम भी उसके साथ हो? किसमें सर? कल रात इसने एक दुकानदार के गहने लूटे हैं, ये बात तुम्हें पता है क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, वो चोरी नहीं कर सकते, वो बहुत ही सीधे इंसान है, और कल रात वो मेरे घर पर थे। क्या कहा, तुम्हारे घर पर था? मतलब तुम्हारा उसके साथ गलत संबंध है? जो मुँह में आए वो बकोगे, कुछ भी बोलोगे, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। मैं भी चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर झूठा केस डाल सकती हूँ, फिर नौकरी जाएगी, याद रखना। पुलिस वाले हो तो क्या सबको तुमसे डरना चाहिए? तुम भी तो इंसान हो ना, वो कल मेरे घर पर थे, उन्होंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कह दिया ना। क्या बात है, मुझे ही बेवकूफ बना रही हो, वो तुम्हारे घर पर था ये कहकर उसे बचाना चाह रही हो, उसका गवाह कौन है? हाँ, मैं हूँ ना, इसके घर पर ही था वो लड़का सुबह तक, इसकी गवाह मैं हूँ। जाने दो इसे, इससे बात करके क्या फायदा। सुनो वकील, उस धोखेबाज को बाद में देखेंगे, पहले इसे देखो। मुझे नहीं कहना चाहिए था कि आप मेरे घर पर थे, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। अरे अरुण, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि कल डिस्चार्ज करके घर ले जा सकते हैं, पापा अभी आईसीयू में, तुम जाकर मिल लो। अरुण, पापा मुझे माफ कर दे बेटा। क्या पापा? तुम पैसा कमा कर हमें दोगे ये सोचकर तुम्हें नहीं पाला, तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें डांटता था। मुझे जो रास्ता पता था वो मैंने बताया, लेकिन तुम्हें जो पसंद है उससे मैं अनजान हूं। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा बेटा, तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगे। बेटा तुम पर जो झूठा कलंक लगा है पता नहीं वह कैसे धुलेगा। पैसा मैं दूंगा। मैं फिर आऊंगा सर, चलता हूँ सर। भाई नेताजी से मिलने हमें चेन्नई जाना होगा। अब आज अचानक क्या हो गया? हमारी पार्टी के अंदर मेरे ही ऑपोजिट कोई चाल चल रहा है, और ये बात मुझे नेताजी को बतानी है, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। पर अभी नेताजी कैंपेन में बिजी होंगे, क्या फायदा मिलेगा? मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है भाई, इस गलत इंसान को बाहर लाना बहुत जरूरी है, वरना पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी। आप चल रहे हैं ना? उसे चेन्नई नहीं पहुंचना चाहिए शेखर। कोयम्बटूर पहुंचने के बाद तिरुवनंत रोड पर उसके लिए स्पॉट बनाते हैं। हाँ बोलो सुमति। कहाँ हो तुम? नोटे के साथ पेंटिंग के काम पे आया हूँ। आज रात मेरे घर पर आ जाना। घर पे आऊँ? क्यों, क्या बात है? घर पर कोई नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हे, लेकिन आपुन तेरे घर पे कैसे आ सकता है? तुम बस आ जाना।
ए, कौन है तू? मेरा पीछा क्यों कर रहा है? शिवा कहाँ है? चुपचाप पुलिस को सब कुछ सच सच बता दो। तू मुझे धमकी देगा, एक थप्पड़ सहा नहीं जाएगा मुझे। अर्जेंटली बुलाया? बस ऐसे ही तुम्हें देखने का मन कर रहा था। तेरे को अकेले की नहीं, उसके लिए कोई घर पे बुलाता है क्या? घर में कोई नहीं है इसीलिए बुलाया। पापा एमएलए के साथ चेन्नई गए हैं। और दिवाकर? वो तो 12 बजे के बाद ही आता है। ये क्या, तुमसे पेंट की स्मेल आ रही है? पेंटिंग का काम करता हूँ तो पेंट की स्मेल आएगी ना। अच्छा, अरे क्या अच्छा, तुम लड़की लोग तो मोगरे का सेंट, गुलाब का सेंट लगाती रहती हो। ट्रक चलाने वाले के लिए डीजल ही सेंट है, मछुआरे के लिए मछली की गंदी उसका सेंट है। अब अपन भी तो पेंटर हो गया है ना, तो पेंट ही आप उनका सेंट है। तुमने मेरे लिए काम पर जाना शुरू कर दिया, इतना ही मेरे लिए काफी है। आई लव यू कार्तिक। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। इसके पीछे मेरा हाथ नहीं है, आइडिया देने वाला, प्लान करने वाला शिवा है। वो अभी कहाँ है बोल? सच में मुझे नहीं पता। और मार खाएगा? उसका मस्जिद के पास एक घर है और वहीं से वो कॉलेज के लड़कों को गांजा सप्लाई करता है। चल चलकर सब पुलिस स्टेशन में बोल। ए रुक। जब लड़के किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए ढेर सारी शायरियां लिखते हैं, पर तुमने आज तक मेरे लिए एक भी शायरी नहीं लिखी। मुझे देखकर एक शायरी लिखो ना। ए, वो उनका काम होता है जिनको कोई काम धंधा नहीं होता, और तू मुझे करने को बोल रही है? ये देख आ गया काम। हाँ बोल रहे मोटे। इतना अर्जेंट क्यों बुलाया उसने? अरे ऐसी कोई अर्जेंट बात नहीं है, बस कविता सुनाने का है। इससे अच्छा तो एक क्वार्टर लगाकर सोना बेहतर था। वैसे इसके बाप को बोलेंगे तो ये सुधर जाएगी। तू निकलना, अपन आ जाएगा। ठीक है। अगर मेरे पापा से कहोगे तो मैं डर जाऊंगी क्या? भाग कर शादी कर लूंगी तुमसे। कल पूछ रहे थे स्कूल में स्कूल ड्रेस पहनकर क्यों नहीं गई। नेक्स्ट ईयर की क्लासेस थी कहकर सब संभाल लिया। रुक जा। चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। ये कौन है? ये कोई जाना पहचाना लग रहा है। मर गया लगता है। यहाँ के पास के थाने में इन्फॉर्म कर दो, चेन्नई जाना कैंसिल करते हैं। बाबू इसकी वजह से चेन्नई जाना क्यों कैंसिल कर रहे हो? मैं यहाँ के इंस्पेक्टर से बोल दूंगा, वो सब संभाल लेगा। नहीं भाई, मुझे वहाँ जाना ठीक नहीं लग रहा है, हम नहीं जाएंगे। गाड़ी घुमा लो, हम घर जा रहे हैं। अरे हाँ, कल तुमने बार से दोबारा फोन किया था क्या? नहीं तो क्यों? मैं बाथरूम में नहा रही थी ना, तब फोन की रिंग सुनाई दी थी, लेकिन जब आकर देखा तो कोई कॉल नहीं आया था। आप उनके फोन में देख। हाँ किया हुआ है। तब तेरे पापा घर पे थे क्या? हाँ थे। किसने भेजा इधर को? किसने भेजा? बोल। कुछ तो गड़बड़ है सुमति। तू तो बोली थी कि कोई नहीं आएगा। पापा आ गए। अब क्या करूं? जल्दी बताओ ना। अरे रुक शांत रह, चिल्ला मत। क्या करेंगे? अरे चिल्ला मत, रुकना। हे भगवान, जल्दी से कुछ सोचो ना। सोचने दे। चोर चोर करके चिल्ला, मैं छत से भाग जाऊंगा। अगर तुम्हें पकड़ लिया तो? वो तो वैसे भी लफंगा है, तेरा बचना ज्यादा जरूरी है। चल। हे भगवान, चिल्ला चिल्ला। चोर चोर चिल्ला। चोर 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 चोर।
सुमति की कोई गलती नहीं है सर, उसको बहकाने वाला अपुन है, लेकिन उसका ख्याल भी अच्छे से रखेगा। अभी अपन सुधर गया है, सुमति भी अपने को बहुत चाहती है। एक चोर को मारकर आप खूनी क्यों बनेंगे, हम देख लेंगे ना। तेरी इस घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? मार इसको। क्यों बे, अपने लोगों के घर में घुसना गलत है ना? गलत है भाई, आप जो सजा दो मंजूर है। भाई क्या सच में चोरी करने आया था? हाँ बाबू। अरे भाई अब सोच क्या रहे हो, इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसे पुलिस के हवाले मत करो, मैं तो कहता हूँ इसे उठा के शहर के बाहर फेंक दो। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। एक चोर से प्यार करती अगर किसी को पता चला तो सोचा मेरा क्या होगा, पर तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? तुझे कहा था ना घर पे रहना, तू कहाँ गया था? हा? वो तो झूठ बोल के मैंने सब संभाल लिया, अगर तूने दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे अभी से शादी करनी है क्या? जब तक मैं हूँ ऐसा नहीं होने दूंगा। ए, तू इस पे नजर रख। ठीक है पापा। और इसको बोल बिना आवाज किए रोए। इतने दिनों तक मुझे क्यों नहीं बताया है सब? ए राजेश, तू तो बोल सकता था ना। इतना बड़ा हंगामा होगा मुझे थोड़ी पता था। उसे इस घर की बहू बनाना है, वो तो पढ़ी लिखी अमीर घर की लड़की लगती है, उसे यहाँ लाकर मजदूरी करवाएंगे। बेचारी, पता नहीं उसका बाप उस पर क्या अत्याचार कर रहा होगा। अपन को ऐसे कहीं को पाला, पढ़ा लिखा सकती थी ना, पढ़ लिख के अपन भी अच्छी नौकरी कर लेता। अपुन के साथ ऐसा क्यों होता है? हेलो, हेलो, हेलो सुमति, सुमति क्या हुआ सुमति? मुझे यहाँ से ले चलो, कहीं और चले जाएंगे। मैं इस घर में नहीं रह सकती, ये मुझे मार डालेंगे। डरने की जरूरत नहीं है सुमति, हिम्मत रखो। हेलो, क्या बोल रही है वो? मर जाएगी बोल रही है। बेटा वो लोग तुझे ऐसे नहीं छोड़ने वाले, मैं उसके बाप को अच्छी तरह से जानता हूँ, कैसे भी करके तुझे मारने की कोशिश करेंगे। अब जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है बेटा, इसीलिए तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है बेटा। तू उस लड़की को लेकर कहीं भाग जा, देखता हूँ तेरा कोई क्या बिगाड़ता है। मरना ही होगा, तुम्हारे और उसके बीच के झगड़े को सब जानते हैं, और अब तो इलेक्शन भी नजदीक आ रहा है, क्यों इतना जल्दबाजी कर रहे हो? मुझे उस बात की कोई परवाह नहीं है, उसे आज रात ही मारना होगा। नहीं पता भाई। सुन बुड्ढे, तू तो बोल दे वरना मार सह नहीं पाएगा। मुझे तो कितना भी मार ले,
मुझे दर्द नहीं होने वाला है, मैं तुझे बताऊंगा भी नहीं क्योंकि मुझे पता भी नहीं। भाई 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 बताता हूँ भाई, बताता हूँ भाई, बताता हूँ भाई, वो अपने मामा के घर गया हुआ है भाई। यहाँ पर जो शिवा रहता है, क्या उसका घर पता है आपको? ऊंची कद है, गोरे से है वो। कोयम्बटूर में बिजनेस करते हैं वही ना? हाँ वही। मार्केट रोड पर मस्जिद के पीछे नाले के सारे हरे रंग का एक घर है, वही है उनका घर। थैंक्स भाई। ठीक है पापा, हमने उन्हें पूरे एरिया में ढूंढ लिया है लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, अब क्या करूँ पापा? पापा पापा वो यहीं पर है शायद, देखता हूँ मैं। फोन मनोज को दे जरा। हाँ भाई। मनोज। हाँ भाई। सिर्फ लड़के को ही नहीं, दोनों को खत्म कर देना। ठीक है भाई, काम हो जाएगा। क्या भाई, अपनी बेटी को ही? झुक कर, घर की इज्जत बाहर निकल चुकी है। क्या बेटा? माँ जी वो शिवा, वो तो कोयम्बटूर गया है बेटा। वापस कब आएंगे? कोयम्बटूर जाता है तो 3-4 दिन बाद ही आता है, तुम एक बार उसे फोन करके देख लो। सॉरी। क्या एड़ा आदमी है, क्या हुआ बोल? वो लोग नहीं थे पापा, कोई और था। भाई लड़की नाबालिग है ना, थाने में कंप्लेन कर देते हैं। केस की जरूरत नहीं है, वो लोग उसे बचा लेंगे, दोनों के मरने के बाद सबको पता चल ही जाएगा। ए, उसे उसके एरिया में जाके ढूंढो। देखो बेटी तुम परेशान मत हो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। क्यों रे, अब तो लेकर आ ही गया है ना, तो शादी क्यों नहीं कर लेता? माँ अभी की शादी मानी नहीं जाएगी, सुमति को 18 साल पूरे होने में 10 दिन बाकी है, तब तक कुछ ना हो बस इतना ही काफी है, उसके बाद अपना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर तुम अपने मामा के पास क्यों नहीं लेकर जाता? हमारे रिश्तेदार कहाँ कहाँ हैं सबका पता लगाकर सबके घर ढूंढेंगे, वहाँ हम फंस सकते हैं, इसलिए ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ हमें कोई नहीं पहचानता, वो जगह तुम्हें भी नहीं बताऊंगा और 10 दिन बाद खुद ही आ जाऊंगा। हाँ तो आस पास में पूछताछ कर। सुनिए, इस घर में कोई है नहीं क्या? ताला पता नहीं बेटा, कल से बंद ही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भाई इन लोगों को भी कुछ नहीं पता। ऐसे दिन में मत जाओ तुम लोग, रात को चले जाना। रात में जाना डेंजर है माँ, मैं संभालूंगा, चलो। जरा रुको तुम। बस इतना ही कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं माँ। जल्दी से मेरे घर पर बहू बनकर आ जाओ।
उधर क्या होगा? क्यों किया ऐसा? बोलो क्यों किया ऐसा तुमने? तूने ही तो पैसे मांगे थे। मैंने मांगे थे लेकिन ऐसे नहीं मांगे थे ना। तब तुझे पैसे चाहिए थे, मुझे आदमी चाहिए था। तुझे जो ही पैसे दे दूंगा पागल समझाए क्या? पर तुम कह सकते थे ना कि पैसे नहीं है। अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या बकवास कर रहे हैं, अब तो बाहर आ गया है ना। आपके लिए जेल से आना जाना बहुत आम बात हो सकती है लेकिन मेरे लिए ये आग पर चलने जैसा। अब तू क्या चाहता है मुझसे? प्लीज भाई, बस एक बार पुलिस स्टेशन आकर सब कुछ सच सच बता दो। नहीं कर सकता भाई, प्लीज भाई। चल हट भाई। इधर 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 अंदर जा, जब तक मैं वापस ना आऊं इधर ही रुकना। Thank you.
देखिए स्वामीनाथ सर, ये लड़के ने ये जानबूझकर नहीं किया है, इस पर जो केस चल रहा है उसे क्लोज कर दीजिए और आगे शक के बेसिस पर इसे इंक्वायरी के लिए मत बुलाया कीजिए। ये बहुत ही अच्छा लड़का है। ओके सर। कनिका बेटी, ठीक कहा ना मैंने? पैर छूना। अरे उठो उठो, ऐसा मत करो। लड़का अब सुधर गया है, इलेक्शन में बिजी था इसीलिए मैं शादी में नहीं आ पाया। ये तो सुमति ने आकर मुझसे कहा है ना, इसीलिए मेरी ज्वेलरी की शॉप में तुझे नौकरी दी है। वहाँ सोना जितना साफ है ना, उतने ही साफ दिल से काम करना। अरे क्या भाई, आप कैसी बात कर रहे हो? अभी अपन अच्छे से काम पे भी जाता है। इसके साथ ये मोटे के साथ पेंटिंग के काम पे। ए कार्तिक, फालतू की बकवास मत कर। बाबू भाई दूसरा काम दे रहे हैं ना, उनके साथ लग जा। अच्छा अरुण, मुझे पता चला है कि तुम एडवर्टाइजमेंट का काम करना चाहते हो। हाँ जी। तो तुम मेरी एक दुकान का एड बना सकते हो क्या? ठीक है भाई, जरूर। कार्तिक। हाँ भाई। अरुण को जो भी हेल्प चाहिए तुम करोगे। ठीक है भाई। ठीक है, जाओ जाओ। चल भाई, चलता हूँ। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते बाबू। नमस्ते। दोबारा एमएलए बन गए, मुबारक हो भाई। अगर मन अच्छा हो ना तो हमारी नियति भगवान तय करता है, और अगर मन गंदा हो तो हम खुद अपनी नियति तय कर लेते हैं। हे भगवान, चलो आखिर लड़का सो गया। इधर उधर मत जाना, सीधे घर आ जाना। आ जाऊंगा माँ। हाय अरुण। अपुन कार्तिक, ऐसा लगता है अपुन ने आपको कहीं देखा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम कहीं मिले। ओ, तो अब हम ज्वेलरी शॉप चले? अरे वो आज अपन को जरा बहुत जरूरी काम है, अपन कल चलते हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं। ए, तू अभी कहाँ जा रहा है बे? तेरी सारी सेटिंग कर दी ना, अब मैं चलता हूँ। रुकना, कहाँ जा रहा है? अब तेरे साथ लड़की आ गई है ना, कल मैं तेरे घर में आऊंगा तो ये आकर बोलेगी कि घर में नहीं है तो मेरी बेइज्जती होगी ना। मैं नहीं आने वाला, तू जा। ए, तू अपना यार है यार, चलना। कार्तिक, तूने पहली बार मेरी इज्जत की। आपका शुक्रिया। अरे ऐसा मत कहिए। हम दोनों शादी कर ले क्या? अरे ऐसा मत कहिए।